घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट कर। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? क्या पुष्पा में दिखेगा समांथा का डांस नंबर? क्या होगा पहले डांस नंबर में समांथा का अंदाज? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रैप स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं एक्टर अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में। एक मसाला एंटरटेनर फिल्म में कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और मारधार। लेकिन आप अभी भी एक चीज भूल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक डांस नंबर की। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा में बिजी है। इस फिल्म के निर्देशक सुकुमार हैं। फिल्म काफी हद तक पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में है। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी साथ ही चल रही है। अभी इस फिल्म में एक डांस नंबर फिल्माया जाना है। रिपोर्ट्स थी कि इस डांस नंबर के लिए फिल्म निर्माता बॉलीवुड नंबर वन आइटम गर्ल नौरा फतेही को अप्रोच कर रहे हैं। फिर सुनने में आया कि मेकर्स ने इस डांस नंबर के लिए अदाकारा पूजा हेगड़े को भी अप्रोच किया है। लेकिन अब सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए समांथा को अप्रोच किया गया है। समांथा रुद्र प्रभु अपनी वेकेशन खत्म कर लौट चुकी है। पिछले दिनों ही वे नागा चैतन्य संग रिश्तों में आई दरार को लेकर चर्चा में थी, लेकिन अब वे आगामी प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि समांथा को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा द राइज के मेकर्स ने खास रोल के लिए अप्रोच किया है। पुष्पा द राइज में समांथा को एक स्पेशल डांस नंबर के लिए चुना गया है और अगले हफ्ते तक इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। खास बात यह है कि जहां एक ओर अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज में समांथा के स्पेशल डांस नंबर को लेकर बात चल रही है, तो वहीं फिल्म शकुंतलम से पुष्पा स्टार की बेटी डेब्यू कर रही है। जी हां, गुना शेखर की डायरेक्टेड फिल्म शकुंतलम में अल्लू अर्जुन की नन्ही आरा अर्जुन प्रिंस भारत की भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस समांथा की नेनी है, जो शकुंतला का किरदार निभाएंगी, और ऑपोजिट में लीड मेन एक्टर देव मोहन है। पुष्पा द राइज में एक लीड एक्ट्रेस नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना है, जबकि मलयालम दल की धड़कन फहाद फाजिल सपोर्टिंग। Studios and we are back with another interesting video. So let's get started without any delay. South superstar Allu Arjun ne apne janamdin par apni nayi film Pushpa ki announcement ki thi. Ye film Hindi ke saath saath 5 alag bhashaon Telugu, Tamil, Kannada aur Malayalam mein release ki jayegi. Makers ne Allu ke janamdin ke mauke par alag alag bhashaon mein film se unka pehla look poster saaja kiya tha. अब जैसे ही इस फिल्म में उनके पोस्टर को शेयर किया गया, वैसे ही अल्लू अर्जुन के फैंस खुशी से पागल हो गए। इस पोस्टर में उनका रफ लुक नजर आ रहा था और पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी गैंगस्टर या वैसे ही किसी काम से ताल्लुक रखते हैं। सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे इस लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीति शील सिंह का हाथ है।
इस फिल्म में उनके लुक से लग रहा है वो इस फिल्म के लिए एक जंगली सा किरदार निभाएंगे। फैंस उनकी इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और अपने होश खो बैठे हैं। फिल्म का ट्रेलर और कई गाने भी रिलीज किए जा चुके हैं जिसने दर्शकों को ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। अब ऐसे में एक्टर का मूवी से नया लुक जारी किया गया है जिसमें उनका डैशिंग अवतार देखने के लिए मिल रहा है। उनके इस नए लुक को देखने के बाद तो फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनका ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे खुद अल्लू अर्जुन ने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें एक्टर की डॉन वॉल स्टाइल से देखा जा सकता है। बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, माथे पर तिलक और काला चश्मा लगाए डैशिंग अवतार में अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ इस फिल्म को लेकर लोगों का एक्साइटमेंट आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी ओर पहले चारों ओर खबरें ही थी कि फिल्म की हिंदी रिलीज फिल्म के डबिंग राइट्स के मालिकों के साथ इश्यू के कारण पॉसिबल नहीं हो सकती। हिंदी रिलीज का कोई प्लान बनाने से बहुत पहले मैत्री मूवी मेकर्स ने पुष्पा के हिंदी डबिंग अधिकार गोल्ड माइन फिल्म को ऑलरेडी बेच दिए थे और वे उनके राइट्स को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, डटे हुए हैं कि हम राइट्स तो नहीं बेचेंगे। इसमें काफी बड़ी दिक्कत है इस बात की भी थी कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को हिंदी मार्केट में रिलीज करने के लिए हिचकिचा रहे थे और उन्हें ये लगता था कि शायद वो इस फिल्म से उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे जितना अल्लू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अब इन इश्यूज को सॉल्व कर फिल्म को 70 की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। हाँ बेटा, तुम भी उनके दोस्त बनकर उनका ख्याल रखोगे? हाँ, मैं भी पक्का ख्याल रखूंगा। पुष्पा से अल्लू अर्जुन की नए लुक ने कैसे मचाया धमाल? क्या है पोस्टर की खास बातें और रिलीज कब हो रही है फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मणिग्राम स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, फाइनली एक और पोस्टर रिलीज हो चुका है अल्लू अर्जुन की पुष्पा से। अल्लू का काफी दमदार, काफी शानदार पोस्टर में आप देख सकते हो कि एकदम एक पैर में एक पैर डाले ताऊ में बैठे हैं अपने अल्लू और उनका लुक भी देखते ही बनता है। गॉगल्स डाले हुए हैं, लाल कलर का टीका लगाया हुआ है और वैसे जैसे उनके हेयर स्टाइल है इस फिल्म में वही वाला लुक दिया गया है। बालों का बिखरे बिखरे थोड़े से बाल और कपड़े जो है एकदम डिसेंट से और डिसेंट कलर इनको हम बोल सकते हैं। साथ ही उन्होंने गले में सोने का चेन डाला हुआ है। सोफे में बैठे हुए ताऊ में जैसे कि बताया आपको, इस तरह का कुछ लुक उनका नजर आ रहा है और काफी शानदार ये लुक है। पोस्टर में लिखा गया है पुष्पा पार्ट वन, यानी कि दो पार्ट्स में ये फिल्म आएगी, पार्ट वन और पार्ट टू। ये और भी ज्यादा अमेजिंग बात है फैंस के लिए और बहुत बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है इस फिल्म का। जिस तरह से फिल्म में देखा गया था कि पूरा जंगल वाला सीन होगा, जंगल जंगल जंगल, तो उस हिसाब से ये पोस्टर जो है वो थोड़ा सा अलग खाता है मेल, क्योंकि यहाँ पे सोफे है, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है और हमने सोचा था कि हर चीज जंगली टाइप की होगी। जैसे कि इससे पहले रश्मिका मंदाना का भी एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें कि वो वन देवी नजर आ रही थी, पूरा वही लुक उनका। ऊपर से जब अल्लू अर्जुन के पोस्टर्स नजर आ रहे थे तो पूरे जंगल वाले थे। ये थोड़ा बाकी पोस्टर्स से डिफरेंट है। देखना होगा कि इस पोस्टर का क्या सीन है, क्या मतलब होता है, क्या अल्लू अर्जुन एकदम चेंज होकर निकलेंगे मूवी के दौरान या मूवी के एंड में, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सैंडलवुड लकड़ी की स्मगलिंग से जुड़ी हुई और अल्लू अर्जुन से सीधे टकराएंगे फिल्म। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है।
सर मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो भूख कर रखता। क्या पुष्पा में होने वाली है सलमान की एंट्री? सलमान करने वाले हैं साउथ डेब्यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा को प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स इन दिनों साउथ में काफी अच्छे कॉन्टेंट रिलेटेड फिल्मों पर काम कर रही है और अब कंपनी बॉलीवुड में भी अपना पैर जमाने को तैयार है। जी हाँ, कोई छोटी मोटी अर्ली फिल्म नहीं बल्कि एक ब्लॉकबस्टर स्टार स्टडेड फिल्म की प्लानिंग है। प्रोडक्शन कंपनी के मालिक नवीन येरनेनी और रवि शंकर ने हाल ही में बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और सलमान खान के जीजा अतुल अग्निहोत्री के साथ एक मीटिंग प्लान की है, जहां वो फ्यूचर में होने वाले इस प्रोजेक्ट और सलमान खान के साथ काम करने की पॉसिबिलिटीज पर बात करने वाले हैं। इस समय दोनों की तरफ से ऑफिशियल स्पोक पर्सन द्वारा ये बातचीत की जा रही है और जल्द ही कोई ऑफिशियल मीटिंग संभव भी है। इस समय बातें सही दिशा की ओर जाती हुई दिख रही हैं। शायद मेकर्स जल्द ही मैत्री मूवी मेकर्स और सलमान खान के बीच इस सबसे बड़े कोलैबोरेशन की न्यूज भी अनाउंस कर सकते हैं। बात अगर इसके आने वाले प्रोजेक्ट की हो तो एक्शन स्टारर होने वाली है, जिसमें सलमान लीड हीरो होंगे जो साउथ फिल्मों के लेवल का एक्शन करते दिखेंगे। उसके अलावा अगर डील फाइनल हो जाती है तो उसी के बाद ये डिसाइड किया जाएगा फिल्म में किसी साउथ एक्ट्रेस को सलमान के अपोजिट लिया जाएगा या किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को। और ये तो सब जानते हैं कि सलमान अपनी गिनी चुनी लीडिंग लेडीज के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसे में कई इस वजह से भी ये डील होने के लिए पहले ही टूट सकती है कि कोई साउथ एक्ट्रेस दिखेगी, मतलब उनका फिक्स होता है कि इनके साथ उन्हें काम करना है। लेकिन हो सकता है कि सल्लू अपना प्लान चेंज करे, कुछ अलग करने की कोशिश करे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पुष्पा में भी सलमान खान का एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल हो सकता है। शायद आप नहीं जानते होंगे क्योंकि मैत्री मेकर्स द्वारा अभी तक कोई भी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और इस कंपनी के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है सुकुमार का भी। खैर, एक्शन भी है, रोमांस भी है और थ्रिलर तो मानो कूट कूट कर भरा हुआ है, जबकि रश्मिका का किरदार एक सरप्राइज पैकेज होने वाला है जो ऐसे अलग अलग शेड्स में दिखेगा जैसा उन्हें कभी भी नहीं देखा हो। साधा गांव की लोकेशन, सिंपल मूवी, बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसइंफिल्ट्रेट। उसको समझता क्या? क्यों हुए अल्लू अर्जुन गुस्सा? क्या दिक्कत आई पुष्पा की हिंदी रिलीज में? दोस्तों आपका दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा, लेकर आई हूँ आपके लिए गर्मा गर्म फिल्मी न्यूज। नॉर्थ और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स का हाथ मिलाना कोई नई बात नहीं है। रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, नागार्जुन, प्रभुदेवा और ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोयराला, रवीना टंडन के साथ कोलैबोरेट करने वाले कई एक्टर्स के साथ ऑन स्क्रीन कोलैब करना बॉलीवुड और साउथ इंडियन सितारों का ट्रेंड रहा है। जहां बीच बीच में ये ट्रेंड धीमा हो गया था, वहीं नई पीढ़ी के सितारे इस ट्रेंड को रिवाइव करते दिख रहे हैं। इसे ज्यादातर लोग पैन इंडिया फिल्म कहते हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ के कई नई पीढ़ी के सितारे आने वाले महीनों में कुछ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक साथ नजर आ रहे हैं। इससे फिल्म बिजनेस पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही आने वाली फिल्मों के लिए एक नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। जहां इस ट्रेंड में कई बड़े बड़े सितारे शामिल हो चुके हैं, वहीं साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के अपने पैन इंडिया प्रोजेक्ट पुष्पा के लिए बड़ी उम्मीदें हैं। वो पर्सनल रूप से इसके प्रमोशन और मार्केटिंग में शामिल हैं, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन और बाकी के साउथ इंडियन मार्केट में पैर जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उनके तमाम कोशिशों के बाद भी पुष्पा की हिंदी रिलीज थोड़ी मुश्किल में आ गई है। तो ऐसी क्या दिक्कत है जिसका सामना कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन? दोस्तों दरअसल पुष्पा के प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने हिंदी डबिंग राइट्स को हर दूसरी फिल्म की तरह ही बेच दिया था। प्रोडक्शन हाउस आमतौर पर फिल्म के शुरुआती फेजेस में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हिंदी डबिंग राइट्स बेच देता है। इसी तरह जब पुष्पा के प्रोडक्शन हाउस ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को राइट्स दिए थे तो फिल्म को दो पार्ट वाली फिल्म या पैन इंडियन लेवल के रूप में प्लान नहीं किया गया था। अब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के हिंदी वर्जन के थिएट्रिकल रिलीज के लिए सहमत नहीं है,
जिसकी वजह से पुष्पा के मेकर्स अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। अलू अर्जुन को फिर खुद ही इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ा और मेकर्स को हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फिर से बातचीत करनी पड़ी। वो आखिरकार कुछ शर्तों पर इसे बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अभी के कंडीशंस फेवरेबल है और माइंडशेयर मूवी मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर ये फिल्म पर्दे पर नहीं चल पाई। ये प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत ही बड़ा खर्चा होने वाला है। दोस्तों अभी का जो सीन है उसके हिसाब से प्रोडक्शन हाउस को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फिल्म के रेवेन्यू में एक बड़ा परसेंटेज बांटने के अलावा पब्लिसिटी थिएट्रिकल रेंट के लिए सभी खर्चों की भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए इस बात पर काफी बड़ी दिक्कत आ गई है और इस पर अभी भी चर्चा चल ही रही है। अगर ये डिस्कशन फेल हो जाती है तो पुष्पा के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सीधे यूट्यूब पर रिलीज करेंगे। आमतौर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सभी तेलुगु बड़ी फिल्में हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं जो उन्हें हिंदी में डब करते हैं और इसे ज्यादातर सैटेलाइट चैनल्स और यूट्यूब पर रिलीज करते हैं। इन डबिंग राइट्स से मेकर्स को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। इसका खर्चा ज्यादातर 10 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ तक जाता है। ये तेलुगु मेकर्स के लिए एक बड़ा रेवेन्यू बन गया है। माइटी मूवी मेकर्स ने फिल्म लॉन्च के शुरुआत में ही पुष्पा की डील क्लोज कर दी थी, लेकिन अल्लू अर्जुन को इस फिल्म को लेकर काफी सारे अरमान थे, काफी बड़े बड़े प्लान्स थे। वो चाहते थे कि ये फिल्म KGF और बाहुबली जैसे बड़े पैमाने पर देश भर के 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हो, लेकिन जिस आदमी ने हिंदी डबिंग अधिकार खरीदे थे वो इस तरह की रिलीज के लिए सहमत। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। तुम भी उनके दोस्त बनकर उनका ख्याल रखोगे। क्यों नहीं है अल्लू अर्जुन कंट्रोवर्सी के भूत में? कैसे निकली पुष्पा की जीत दूसरी आगे? कोरोना वायरस ने इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को अफेक्ट किया और साथ ही इसकी वजह से हुए असर से आज तक भी हम उभर नहीं पा रहे हैं। कोरोना के टाइम पर चल रहे इस घमासान से छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी अफेक्ट किया है और साथ ही इससे मूवी इंडस्ट्री के हर हिस्से को अफेक्ट हुआ है। बता दें कि अल्लू अर्जुन फिल्म में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया था। हालांकि अब अल्लू अर्जुन बिल्कुल ठीक है और जल्द ही अपनी मूवी की रिलीज की तैयारियों में जुटेंगे। आपने यश की KGF 2 और अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा दोनों ही मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं। दोनों ही आप तक इस साल में एक या दो फिल्में रिलीज होती हैं, जिसे लेकर उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इन दोनों ही फिल्मों के बीच कमाई के मामले में कसी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले मूवी पुष्पा ने बाजी मार ली। जी हाँ दर्शकों, दरअसल अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा को IMDb ने लिस्ट जारी कर पहला स्थान दिया है। बता दें कि IMDb फिल्मी डेटाबेस वाली दुनिया की टॉप साइट्स में से एक है। इस लिस्ट में पुष्पा को टॉप रैंक मिला है, जिसके बाद यश की मूवी KGF 2 को दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद तीसरे स्थान पर प्रवासी मूवी राधे श्याम को रखा गया है। इसके अलावा लिस्ट में चौथे नंबर पर साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मूवी मरक्कर है। पांचवें नंबर पर फरहान अख्तर की मूवी तूफान है। छठे नंबर पर तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की मूवी हसीन दिलरुबा। अल्लू अर्जुन की आगामी मूवी पुष्पा लंबे समय से खबरों में थी। आखिरकार मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। जब से मूवी का ट्रेलर आउट हुआ है तब से अल्लू के फैंस में एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। मूवी में अल्लू के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही है। बता दें कि मूवी एक बार में नहीं बल्कि दोनों बार में रिलीज किया जाएगा। बता दें बीते साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर मूवी का फर्स्ट लुक सामने आया था। मूवी की घोषणा के साथ ही ये बताया गया था कि मूवी हिंदी सहित पूरे भारत में 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। अल्लू अर्जुन ने भी ये उम्मीद जताई है कि फैंस को ये मूवी पसंद आएगी। इससे पहले सुकुमार के साथ अल्लू अर्जुन आर्य और आर्य 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये
मूवी थी। अल्लू अर्जुन की सुकुमार के साथ तीसरी मूवी होगी। अब पुष्पा मूवी से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, पर ये तो आप जानती ही हैं कि जब भी कोई मेगा मूवी या कोई बड़ी मूवी आती है तो एक बड़ी बात जिसे फैंस ने नोटिस किया है कि साउथ के स्टाइलिस्ट था अल्लू अर्जुन को इस बारे में ट्वीट करने में एक या दो दिन लगते हैं। आप सबको याद तो होगा कि जब इस सुपरस्टार ने कुछ दिनों के लिए सही राह के ट्रेलर के बारे में ट्वीट नहीं किया था तो अल्लू अर्जुन के फैंस पागल हो गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अल्लू इस मूवी के लिए किसी भी क्रिटिसिज्म और कॉन्ट्रोवर्सी के मूड में नहीं है। वो इस मूवी के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं और इस मूवी के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और साथ ही इस मूवी के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड है और इस मूवी के लिए फैंस अभी से ही सोशल मीडिया पर काफी बड़े हाइप क्रिएट कर रहे हैं। इस मूवी के लिए ने साउथ इंडिया के सुपरस्टार्स को पीछे कैसे सेलिब्रेट किया था अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के टीजर के रिलीज का। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आगमी फिल्म पुष्पा लंबे समय से खबरों में थी। आखिरकार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने अंदाज और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब उनकी फिल्म पुष्पा का टीजर रिलीज हुआ है जिसने धमाल मचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस टीजर पर आए फैंस के रिएक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म को लेकर उनमें काफी एक्साइटमेंट है, साथ ही वो बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का अनाउंसमेंट भी एक बड़े सेलिब्रेशन में बदला गया, जहाँ सुपरस्टार ने अपने कई गानों पर जबरदस्त डांस भी किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो अगर आपको भी जानना है आपके मन चाहे सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि आपको इसी वीडियो में मिलेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। अल्लू अर्जुन ने इस मौके पर खूब रंग जमाया था। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का धन्यवाद और फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं अन्य भाषाओं के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो या उत्तर भारतीय दर्शक हो और अन्य देशों से भी। तेलुगु फिल्में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना सम्मानित किया। आज हम अपने लोकल बाजार के कारण नहीं बल्कि बड़े बाजारों में से एक बन गए हैं, ये आपकी वजह से बने हैं, आपने हमें बड़ा बना दिया है। फिल्म के लीड एक्ट्रेस की बात करें तो बेंगलुरु की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना साउथ फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। काफी कम वक्त में ही वो नेशनल क्रश बन चुकी है। रश्मिका आज सिर्फ एक साउथ एक्ट्रेस ही नहीं रह गई बल्कि जल्द ही उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा जाने वाला है। अब रश्मिका ने फोर्ब्स लिस्ट में भी अपने लिए जगह बना ली है और साउथ के बड़े सुपरस्टार्स तक को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की लिस्ट में रश्मिका ने टॉप स्थान हासिल किया है। इसी के साथ उन्होंने समांथा, विजय देवरकोंडा और यश जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि अपने सोशल मीडिया पेज पर फॉलोअर्स के नंबर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की लिस्ट में टॉप जगह पर है। विजय देवरकोंडा जिन्होंने अपनी फिल्म में पेरी चोपुलू और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्ध हासिल की, लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कन्नड़ के सबसे हैंडसम हंक यश, समांथा रुथप्रभु इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है, इनके बाद अल्लू अर्जुन है। फोर्ब्स ने 30 दिसंबर तक अपने सबसे लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय हस्तियों की इंस्टाग्राम एक्टिविटी पर कमेंट किया है। अब जल्द ही रश्मिका को पुष्पा में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है।
बता दें कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की स्मगलिंग और इसके लिए चल रही लड़ाई की कहानी को पेश करती है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए दर्शक भी पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को कैसी है तीसरे गाने की झलक और कब रिलीज होगा फिल्म का तीसरा गाना? क्या दिखेगा अल्लू और रश्मिका का नया अंदाज? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। जैसे जैसे 17 दिसंबर पास आ रही है वैसे वैसे अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना के फैंस के दिलों की धड़कन भी तेज होती जा रही है। दोस्तों बड़े भी क्यों ना, 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद जो उन्हें अल्लू उनके सबसे पसंदीदा लुक और सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म पुष्पा में दिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, रिलीज और ट्रेलर के बारे में तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल तो हम इस फिल्म के गाने को लेकर एक बहुत ही खास आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि मेकर्स अब तक फिल्म के 2 गाने रिलीज कर चुके हैं जिन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है। अब सारी नजरें फिल्म के तीसरे गाने पर टिकी हुई है। इस गाने को लेकर पहले से ही काफी हाइप बना हुआ है और इस बात में कोई शक नहीं है कि जहां तक प्रमोशंस की बात है तो मेकर्स ने अपने लेवल ऊंचा कर लिया है, जैसे मानो वो इसे पूरे प्लान एंड प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अब फैंस की इसी उत्सुकता और एक्साइटमेंट को मेकर्स की ओर से एक और लेवल ऊंचा ले जाते हुए फिल्म के तीसरे गाने की झलक रिलीज कर दी गई है और दोस्तों अब एक मास ट्रीट की तरह सामने आ रहा है। इस गाने का नाम सामी सामी है। दूसरा गाना जहां क्लासी रोमांटिक और टिपिकल देवी प्रसाद के स्टाइल में मेलोडी से भरा हुआ था, ये तीसरा गाना भी बहुत मजेदार होने वाला है। सुकुमार और देवी प्रसाद की जोड़ी यूं तो अभी तक एक नए स्टाइल के फन वाले गाने लेकर आई है। जब पुष्पा के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और दोस्तों मस्ती के अलावा कई एलिमेंट्स वाले गाने गा रहे थे। बात अगर करें तीसरे गाने की तो दोस्तों ये एक फॉक सॉन्ग होगा जो दोस्तों शुरू की झलक समय पर नहीं हो पाएगी इस फिल्म की शूटिंग खत्म और अभी कैसे काम बाकी है फिल्म में? क्या पुष्पा में लगेगा बॉलीवुड का तड़का? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सुकुमार के निर्देशन और अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स से सजी फिल्म पुष्पा इन दिनों बड़ी तेजी से अपने रैपअप की ओर बढ़ रही है। फिल्म की टीम जोरों शोरों से शूटिंग को समय से निपटाने में लगी है और 2 भागों में रिलीज होने वाली पी सीरीज के पहले पार्ट को इसी साल 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि फिल्म की शूटिंग के काम को 5 नवंबर तक निपटा लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी मुश्किलें कम नहीं है। दोस्तों फिल्म के 2 गाने पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं जो काफी हिट भी बने हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि अभी और 3 गानों की शूटिंग बाकी है। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट निपटा ली है, जिसका मतलब है कि बचे हुए दिनों में अब वो 3 गानों को निपटा सकते हैं। जैसे ही इन गानों की शूटिंग पूरी होती है फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस और मार्केटिंग जैसे काम रह जाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सुकुमार इसके पोस्ट प्रोडक्शन में लग जाएंगे। अब दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम निपटाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। हालांकि दोस्तों ये बात भी है कि सुकुमार है राजामौली नहीं, जिन्हें कम से कम 4 महीने लगते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के कामों में। आप ही देखिए ना, इसी वजह से तो RRR की रिलीज अभी तक रुकी हुई है। खैर हम बात वापस से पुष्पा की करते हैं और गानों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों बचे हुए 3 गानों में से 1 गाना अब्रॉड शूट किया जाएगा जिसके लिए टीम जल्द ही रवाना होगी, तो वहीं दोस्तों बाकी के 2 गानों में से 1। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये
कैसे बदला मेकर्स ने अपना प्लान, क्या है श्रीवल्ली की सच्चाई। स्वागत है आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। रश्मिका मंदाना इन दिनों अल्लू अर्जुन के साथ अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा में श्रीवल्ली की किरदार की तैयारियां कर रही है, जिसमें एक्टर के तौर पर उनकी एक अलग ही साइड दर्शकों के सामने आएगी। सुकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में हाल ही में रश्मिका का फर्स्ट लुक शेयर किया गया था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। क्या आप जानते हैं कि यह रश्मिका की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। अब इस फिल्म से जुड़े अपने एक्सपीरियंस और काम करने के बारे में रश्मिका का एक इंटरव्यू सामने आया है, जहां उन्होंने बताया है कि उन्हें लगता है कि ये फिल्म उनके लिए एक नया माइलस्टोन की तरह सामने आएगा, जो फैंस को थ्रिल करने के लिए तैयार है। ये फिल्म दो पार्ट्स में बनने वाली है। इसका पहला पार्ट 17 दिसंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। पोस्टर की अगर बात करें तो इसमें रश्मिका एक अलग ही अवतार में दिख रही है, जो आज से पहले निभाए गए उनके किरदारों से काफी अलग था। येलो कलर की साड़ी में और बालों में गजरा लगाकर वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब अलग ही लेवल की खूबसूरती है बॉस। इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा कि वो अपनी इस फिल्म और अपने लुक को रिवील करने से पहले इसके लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों तरह के इमोशंस फील कर रही थी, लेकिन पोस्टर रिवील के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिला फैंस से, उसे देखकर वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी। एक एक्टर के तौर पर इस फिल्म ने उन्हें बहुत कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर किया था, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुई। दोस्तों, बात अगर रश्मिका के किरदार की करें तो फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार वो निभाने वाली है, जो अल्लू के किरदार पुष्पा की लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई देगी। पुष्पा को उन्हें देखकर उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद श्रीवल्ली अपना पूरा टाइम लेते हुए अपनी फीलिंग जाहिर करती है। हालांकि अंत में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहानी में ट्विस्ट है, जहां फिल्म के क्लाइमेक्स में ये पता चलता है कि श्रीवल्ली असल में एक इंस्पेक्टर है, जो स्मगलर बने पुष्पा को पकड़ने आई है, जिसका खुलासा सेकेंड पार्ट में होगा। अब सेकंड पार्ट में कहानी तो बहुत ही एक्साइटिंग टर्न लेने वाली है दोस्तों, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आने वाले इस पार्ट की, जिसमें रश्मिका एक अच्छी लड़की के रूप में दिखेगी। अब अगर वो अपनी असलियत छुपाकर लोगों के बीच रहने वाली है और पुष्पा जैसे इंसान को अपने प्यार में बढ़ने पर मजबूर करने वाली है, तो बेशक ही उनका किरदार काफी अहम और काफी मजबूत होगा, जो कि असल में है भी। फिल्म में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे पुष्पा जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचकर राजा बनकर जाता है और उसमें रश्मिका भी उनका पूरा साथ देती है, जबकि असल में तो वो उनकी हर एक्टिविटी पर नजर अटकाई हुई है और लास्ट में उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक ट्विस्ट तब आएगा जब फिल्म में श्रीवल्ली की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसे एक वक्त पर जब वो कुछ भी नहीं कर सकती और तब पुष्पा बच जाता है। क्या आप जानते हैं कि श्रीवल्ली के किरदार को नेगेटिव बनाने का आइडिया हमारे डायरेक्टर साहब यानी सुकुमार को खुद पुष्पा बने अल्लू अर्जुन ने ही दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर श्रीवल्ली को पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव दिखाया जाए तो कैसा होगा, और फिर इन बातों की पूरी सच्चाई पार्ट टू में दिखाया जाए। इस पर सुकुमार ने बहुत पॉजिटिवली ध्यान दिया और इसके बारे में सोचने को कहा। फिर इस बारे में विचार करने पर उन्होंने कहानी में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए और फिर जो हुआ वो अब सबके सामने आने ही वाला है। दोस्तों, रश्मिका भी इस चेंज से काफी खुश हुई, क्योंकि उन्हें अब तक किए गए अपने रोल से कुछ अलग करने का मौका जो मिल रहा है, इसलिए वो भी तुरंत ही मान गई। इसके बाद अपनी इमेज को पॉजिटिव दिखाने के लिए बॉलीवुड में एंट्री जो कर रही है। वन सेकेंड, आपको ये नहीं पता? दोस्तों, आपको ये कैसे नहीं पता, रश्मिका जल्दी बॉलीवुड के शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू में दिखे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट उसको समझता क्या। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है।
अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। क्या करण जौहर करेंगे अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड में सपोर्ट? कैसे मचा रहा है पुष्पा का साउंड ट्रैक अभी से ही धूम? दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। कोरोना वायरस महामारी ने छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक को हिला डाला और यही नहीं इससे तो बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स तक नहीं बचे। कई फिल्में रिलीज नहीं हो पाई तो कई बड़ी बजट की फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज होना पड़ा और यहाँ तक कि इसकी वजह से कई बड़ी फिल्मों के रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया जिसमें साउथ के मेगा स्टार्स के कई बड़ी फिल्में भी थी। सुनने में आया है कि कोरोना वायरस की वजह से चिरंजीवी अल्लू अर्जुन और रामचरण जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों के निर्माताओं ने अपनी रिलीज को कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। सबसे बेसब्री से इंतजार की गई फिल्मों में से एक चिरंजीवी की आचार्य 13 मई को रिलीज होनी थी, फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अब इसे इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने की उम्मीद है। बस उम्मीद ही है। पूरा कला शिवा की डायरेक्टेड फिल्म में चिरंजीवी और रामचरण लीड रोल्स में नजर आएंगे। अब फिल्म का प्रीमियर अगले साल 4 फरवरी को रिलीज करने की उम्मीद है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा जो 13 अगस्त को रिलीज होने वाली थी वो भी स्क्रीन पर नहीं आई क्योंकि निर्माता फिल्म को समय पर पूरा नहीं कर सके। सुकुमार की डायरेक्टेड फिल्म अब 27 दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी और फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया जा रहा है। इस फिल्म के रिलीज के साथ अल्लू अर्जुन का टाइटल स्टाइलिश स्टार से आइकॉन स्टार में बदलने वाला है। फिल्म 2 भाग में रिलीज होगी। इस अपकमिंग अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म अब तक अपने फैंस और ऑडियंस से एक मुस्कान देने में सक्सेसफुल रही है। फिल्म का एक नया रिलीज किया गया म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर एक नया टॉपिक बना हुआ है। सावे सावे गाने को 24 घंटों में यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म का एक और गाना श्रीवल लीड जिसमें हीरोइन मेन लीड है कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज किया गया था और इसे इस मंच पर लगभग 33 मिलियन बार देखा जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद का है और सामी सामी गाने के लिरिक्स है चंद्र बोस के। इस गाने को मोनिका यादव ने गाया है। फिल्म के क्रू ने प्रमोशनल कैंपेन को तेज कर दिया है और इसीलिए हाल ही में इसी के चलते सामी सामी गाने को रिलीज किया गया। ये गाना हीरो की क्वालिटीज के बारे में बताता है और इस गाने को फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने गाया है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच की केमिस्ट्री इस फिल्म के फैंस और ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म लाल चंदन की तस्करी के बैकग्राउंड के खिलाफ बनाई गई है और अल्लू अर्जुन को इस फिल्म में तस्कर पुष्पा राज के रूप में देखा जाएगा। रश्मिका उनके लव इंटरेस्ट श्री मल्ली का किरदार निभा रही है। इस फिल्म के फैंस बस साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हैं और हो सकता है कि इस फिल्म को करण जौहर का सपोर्ट मिल जाए। दरअसल हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर और रोहित शेट्टी ने तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की उसको समझता क्या। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। तुम भी उनके दोस्त बनकर उनका ख्याल रखोगे। क्यों नहीं है अल्लू अर्जुन कंट्रोवर्सी के मूड में? कैसे निकली पुष्पा की जीत 2 से आगे? कोरोना वायरस ने इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को अफेक्ट किया पर साथ ही इसकी वजह से हुए असर से आज तक भी हम उभर नहीं पा रहे हैं। कोरोना के दायरे पर चल रहे इस घमासान से छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी अफेक्ट किया है और साथ ही इससे मूवी इंडस्ट्री के हर हिस्से को अफेक्ट हुआ है। बता दें कि अल्लू अर्जुन अप्रैल में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर दिया था। हालांकि अब अल्लू अर्जुन बिल्कुल ठीक है और जल्द ही अपनी मूवी की रिलीज की तैयारियों में जुटेंगे। आपने यश की KGF 2 और अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा दोनों ही मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। दोनों ही आप तक इस साल में 1 या 2 फिल्में रिलीज होती है जिसे लेकर उनके फैंस बेसब्री से इंतजार
कर रहे हैं। वहीं इन दोनों ही फिल्मों के बीच कमाई के मामले में कसी तक कर बताई जा रही है। लेकिन रिलीज से पहले मूवी पुष्पा ने बाजी मारी। जी हां दर्शकों, दरअसल अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा को IMDb ने लिस्ट जारी कर पहला स्थान दिया है। बता दें कि IMDb फिल्मी डेटाबेस वाली दुनिया की टॉप साइट्स में से एक है। इस लिस्ट में पुष्पा को टॉप रैंक मिला है, जिसके बाद यश की मूवी KGF 2 को दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद तीसरे स्थान पर प्रभास की मूवी राधे श्याम को रखा गया है। इसके अलावा लिस्ट में चौथे नंबर पर साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मूवी मरक्कर है। पांचवें नंबर पर फरहान अख्तर की मूवी तूफान है। छठे नंबर पर तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की मूवी हसीन दिलरुबा। अल्लू अर्जुन की आगामी मूवी पुष्पा लंबे समय से खबरों में थी। आखिरकार मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। जब से मूवी का ट्रेलर आउट हुआ है, तब से अल्लू के फैंस में एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। मूवी में अल्लू के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही है। बता दें कि मूवी एक पार्ट में नहीं बल्कि दोनों पार्ट में रिलीज किया जाएगा। बता दें बीते साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर मूवी का फर्स्ट लुक सामने आया था। मूवी की घोषणा के साथ ये बताया गया था कि मूवी हिंदी सहित पूरे भारत में 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। अल्लू अर्जुन ने भी ये उम्मीद जताई है कि फैंस को ये मूवी पसंद आएगी। इससे पहले सुकुमार के साथ अल्लू अर्जुन आर्य और आर्य 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये मूवी भी अल्लू अर्जुन के सुकुमार के साथ तीसरी मूवी होगी। अब पुष्पा मूवी से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, पर ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई मेगा मूवी या कोई बड़ी मूवी आती है तो एक बड़ी बात जिसे फैंस ने नोटिस किया है कि साउथ के स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन को इस बारे में ट्वीट करने में 1 या 2 दिन लगते हैं। आप सबको याद तो होगा ही जब इस सुपरस्टार ने कुछ दिनों के लिए सही जा के ट्रेलर के बारे में ट्वीट नहीं किया था तो अल्लू अर्जुन के फैंस पागल हो गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ने साउथ इंडिया के सुपरस्टार्स को पीछे कैसे सेलिब्रेट किया था अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के टीजर के रिलीज का। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा लंबे समय से खबरों में थी। आखिरकार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने अंदाज और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब उनकी फिल्म पुष्पा का टीजर रिलीज हुआ है, जिसने धमाल मचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस टीजर पर आए फैंस के रिएक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म को लेकर उतने काफी एक्साइटमेंट है। साथ ही वो बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का अनाउंसमेंट भी एक बड़े सेलिब्रेशन में बदला गया, जहाँ सुपरस्टार ने अपने कई गानों पर जबरदस्त डांस भी किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो अगर आपको भी जानना है आपके मन चाहे सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि आपको इसी वीडियो में मिलेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। अल्लू अर्जुन ने इस मौके पर खूब रंग जमाया था। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का धन्यवाद और फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं अन्य भाषाओं के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो या उत्तर भारतीय दर्शक हो और अन्य देशों से भी। तेलुगु फिल्में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना सम्मानित किया। आज हम अपने लोकल बाजार के कारण नहीं बल्कि बड़े बाजारों में से एक बन गए, ये आपकी वजह से बने हैं, आपने हमें बड़ा बना दिया है। फिल्म के लीड एक्ट्रेस की बात करें तो बेंगलुरु की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना साउथ फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है।
काफी कम वक्त में ही वो नेशनल क्रश बन चुकी है। रश्मिका आज सिर्फ एक साउथ एक्ट्रेस ही नहीं रह गई, बल्कि जल्द ही उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा जाने वाला है। अब रश्मिका ने फोर्ब्स लिस्ट में भी अपने लिए जगह बना ली है और साउथ के बड़े सुपरस्टार्स तक को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की लिस्ट में रश्मिका ने टॉप स्थान हासिल किया है। इसी के साथ उन्होंने समांथा, विजय देवरकोंडा और यश जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि अपने सोशल मीडिया पेज पर फॉलोअर्स के नंबर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की लिस्ट में टॉप जगह पर है। विजय देवरकोंडा, जिन्होंने अपनी फिल्म में पेली चोपुलू और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्ध हासिल की, लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कन्नड़ के सबसे हैंडसम हंक यश, समांथा रुथ प्रभु इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। इनके बाद अल्लू अर्जुन है। फोर्ब्स ने 30 दिसंबर तक अपने सबसे लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय हस्तियों की इंस्टाग्राम एक्टिविटी पर कॉमेंट किया है। अब जल्द ही रश्मिका को पुष्पा में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। बता दें कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा आंध्र की पहाड़ियों में लाल चंदन की स्मगलिंग और इसके लिए चल रही लड़ाई की कहानी को पेश करती है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए दर्शक भी पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे। खास बात तो ये है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट उसको समझता क्या। कैसी लगी अलू और रश्मिका की केमिस्ट्री? कैसा रहा पुष्पा का नया गाना? क्या क्रेज है वर्थ वॉचिंग? साउथ एक्टर क्या कहें? कह लीजिए साउथ सेंसेशन अल्लू अर्जुन और क्यूटनेस की भरमार बनकर चलने वाली नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को लेकर चर्चा में है। जहां फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसका नया तेलुगु सॉन्ग सामी सामी हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। यह वीडियो सॉन्ग रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इसे महज कुछ ही देर में 1 मिलियन से भी ज्यादा मिल चुके हैं। फिल्म का यह गाना सामी सामी तेलुगु में रिलीज किया गया है। इस गाने में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बीच शानदार केमिस्ट्री भी देखने के लिए मिल रही है। सॉन्ग काफी एंजॉय करने वाला है। मोनिका यादव की आवाज में ये गाना काफी जच रहा है और अलग ही एनर्जी को पैदा कर रहा है, जिसे सुनने के बाद हर कोई झूमने पर मजबूर हो सकता है। वीडियो में रश्मिका और अल्लू अर्जुन का देसी अंदाज में फैंस को काफी पसंद आ रहा है। अब क्योंकि फिल्म की पूरी थीम ही देसी है और रूरल पर आधारित है, तो उस वजह से फैंस अपने आप को स्टार्स को उस लुक में देखने के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस की अदाएं तो कमाल ही लग रही है। अब क्योंकि फिल्म की पूरी थीम ही देसी है और रूरल पर आधारित है, तो उस वजह से फैंस ने अपने आप को स्टार्स को उस लुक में देखने के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस की अदाएं तो कमाल की लग रही हैं। बता दें कि गाने के रिलीज होने से पहले ही फैंस ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया था। फिल्म पुष्पा और सॉन्ग सामी सामी सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। गाने का पोस्टर पहले ही जारी कर दिया गया था, जिससे लोगों का एक्साइटमेंट और बढ़ गया था। उसके बाद एक प्रोमो भी रिलीज किया गया, जिसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। उसका असर भी मेन गाने पर बेशक ही पड़ा होगा। तभी उम्मीद मुताबिक व्यूज तो गाने को लेकर नहीं मिले, लेकिन यह उस हिसाब से काफी अच्छा है जैसा कि प्रोमो के बाद फैंस के कमेंट्स में नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि तब भी जिस तरह से क्रेज इस गाने को लेकर शुरू में बना था, यह उस हाइप को तो बेशक नहीं क्रॉस कर पाया। लीड पेयर के बीच कमाल की केमिस्ट्री के अलावा इस गाने में फिल्म के कुछ बिहाइंड सीन शूट भी डाले गए हैं, जिनका कोई तुक तो हमें समझ नहीं आता। गाने में डीएसपी की टिपिकल ट्यून्स है, जिसमें फुट टैपिंग बीट्स है, जो किसी को भी हुक करने के लिए काफी है। ये गाना पैपी है, जो आपको सारा दिन गुनगुनाने पर मजबूर कर देगा। अब अल्लू अर्जुन को फ्यूचर करने वाले गाने से इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें विजुअल्स की, तो कट्स काफी इंप्रेसिव है, जिसमें हर चीज का बेहतरीन ब्लेंड देखने मिलता है। क्या आप जानते हैं कि यह पूरा का पूरा गाना मैरेदु मिल्ली के जंगलों में शूट हुआ है, जिसमें किसी और लोकेशन का यूज नहीं किया गया है।
बता दें कि सॉन्ग सामी सामी से पहले फिल्म पुष्पा के मेकर्स दो और गाने रिलीज कर चुके हैं। इसमें दाको दाको मेका और श्रीवल्ली जैसे गाने शामिल हैं, जहां श्रीवल्ली गाना अल्लू अर्जुन के किरदार पुष्पा राज द्वारा श्रीवल्ली बनी रश्मिका का दिल जीतने के बारे में था, तो वहीं उससे अलग यह गाना रश्मिका के प्यार और फिल्म में पुष्पा के लिए उसकी फीलिंग्स को बताता है। इस गाने में रश्मिका के मूव्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें शेखर मास्टर्स ने कोरियोग्राफ्ड किया है। उनके मूव्स की झलक देखकर हमारे मन से तो एक ही शब्द निकलता है, ये दिल मांगे मोर। इस मूवी के पोस्टर से लेकर गाने की टीजर वीडियो सब कुछ काफी सुर्खियों में रहे हैं। फिल्म को लेकर काफी बस पहले ही क्रिएटेड है, जिसके बाद फिल्म से उम्मीदें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उम्मीदें जताई जा रही हैं लोगों को अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री फिल्म में काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर इस गाने की मेकिंग की बात की जाए तो मोनिका यादव ने इसे अपनी आवाज दी है और चंद्र बोस ने इसके लिरिक्स दिए हैं। इस गाने और फिल्म में म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने दिया है, जबकि रिदम कल्लायन की है। फिल्म का डायरेक्शन सुकुमार द्वारा किया गया है और नवीन यरनेनी वाय रविशंकर इसके प्रोड्यूसर्स है। फिल्म की कहानी रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग और स्मगलिंग से ऊंचे उठे पुष्पा के बारे में है, जिसमें इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस। मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर, मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट भर खाता। पुष्पा को लेकर इतना भोकाल क्यों है? तीन दिन पहले कौन सा गाना रिलीज हुआ है पुष्पा का? अल्लू अर्जुन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की थी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्पा मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें। पिछले कुछ समय से एसएस राजामौली की ट्रिपल आर के अलावा एक और साउथ इंडियन मूवी लगातार चर्चा में है, अल्लू अर्जुन स्टार मूवी पुष्पा। पिछले दिनों मूवी का पहला टीजर रिलीज किया गया, फिर ट्रेलर और अब तो मूवी के कई सारे गाने बैक टू बैक रिलीज हो ही रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में मूवी का तीसरा गाना सामी सामी रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहना मिला। तगड़े एक्शन स्टंट से भरपूर इस टीजर और ट्रेलर में हमें मूवी की झलक मिलती है, मगर इस टीजर का पूरा फोकस अल्लू अर्जुन के स्वैग, बीइंग ग्लैम लुक और एक्शन पर ही रहता है। बता दें कि टीजर को अब तक यूट्यूब पर 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है, मगर मूवी के इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आखिर क्या वजह है? इस मूवी के बारे में समझने से पहले हमें मूवी के हीरो अल्लू अर्जुन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों के स्टार है, उनके पिता अल्लू अरविंद मूवी प्रोड्यूसर है, उनके नाना अल्लू रामलिंगिया फिल्मों में कॉमेडियन थे, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी इनके फूफा लगते हैं। अर्जुन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। 2003 में आई मूवी गंगोत्री में पहली बार वो बतौर हीरो नजर आए, आगे वो आर्या रुद्रमा देवी वेदम जैसी हिट फिल्मों में दिखाई दिए। इनकी बदौलत अर्जुन ने तेलुगु इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया, लेकिन मानना पड़ेगा कि अल्लू प्रॉपर कमर्शियल मूवी एक्टर है, जिनकी एक्टिंग स्किल दुरुस्त है, भरपूर मात्रा में स्वैग कैरी करते हैं और ऋतिक रोशन लेवल का डांस करते हैं। तो अब आप सभी बहुत कुछ जान गए हैं अल्लू के बारे में, तो अब आपको बताते हैं कि आखिर इतना चर्चा क्यों है इस मूवी की, इतना भौकाल क्यों है भाई इस मूवी को लेकर। तो ऐसा इसलिए कि अल्लाह वेंकटपुर मुल्लू की भारी सफलता को देखते हुए अल्लू अर्जुन ने कुछ बड़ा ट्राई किया है, वो एक बिग बजट मूवी पुष्पा में काम कर रहे हैं। पुष्पा को पैन इंडिया मूवी के तौर पर प्लान किया गया है, इसे तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाना है। सुकुमार ने पुष्पा का आइडिया कंसीव करने के बाद सबसे पहले महेश बाबू को ये मूवी ऑफर की थी, सब कुछ सेट, मगर एन मौके पे महेश ने क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से खुद को मूवी से अलग कर लिया। उसके बाद ये मूवी अल्लू अर्जुन के खाते में चली गई। मास्टर में जोसफ विजय ने हीरो और विजय सेतुपति ने विलेन का रोल किया था। पुष्पा में भी हमें दो बड़े स्टार्स की फिल्म देखने को मिलने वाली है। अल्लू अर्जुन के साथ इस मूवी में मलयालम फिल्मों के स्टार फहद फाजिल दिखाई देंगे। ये फहद पहली तेलुगु मूवी होगी पुष्पा में अल्लू अर्जुन के अपोलो रश्मिका।
घबराने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ उन्होंने बताया है कि उन्हें लगता है कि ये फिल्म उनके लिए एक नया माइलस्टोन की तरह सामने आएगा, जो फैंस को थ्रिल करने के लिए तैयार है। ये फिल्म दो पार्ट्स में बनने वाली है। इसका पहला पार्ट 17 दिसंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। पोस्टर की अगर बात करें तो इसमें रश्मिका एक अलग ही अवतार में दिख रही है, जो आज से पहले निभाए गए उनके किरदारों से काफी अलग था। येलो कलर की साड़ी में और बालों में गजरा लगाकर वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब अलग ही लेवल की खूबसूरती है बॉस। इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा कि वो अपनी इस फिल्म और अपने लुक को रिवील करने से पहले इसके लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों तरह के इमोशंस फील कर रही थी, लेकिन पोस्टर रिवील के बाद जिस तरह का रिस्पांस उन्हें मिला फैंस से, उसे देखकर वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी। एक एक्टर के तौर पर इस फिल्म ने उन्हें बहुत कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर किया था, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुई। दोस्तों, बात अगर रश्मिका के किरदार की करें तो फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार वो निभाने वाली है, जो अल्लू के किरदार पुष्पा की लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई देगी। पुष्पा को उन्हें देखकर उनसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद श्रीवल्ली अपना पूरा टाइम लेते हुए अपनी फीलिंग जाहिर करती है। हालांकि अंत में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहानी में ट्विस्ट है, जहाँ फिल्म के क्लाइमेक्स में ये पता चलता है कि श्रीवल्ली असल में एक इंस्पेक्टर है जो स्मगलर बने पुष्पा को पकड़ने आई है, जिसका खुलासा सेकंड पार्ट में होगा। अब सेकंड पार्ट में कहानी तो बहुत ही एक्साइटिंग टर्न लेने वाली है दोस्तों, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आने वाले इस पार्ट की, जिसमें रश्मिका एक अच्छी लड़की के रूप में दिखेगी। अब अगर वो अपनी असलियत छुपा कर लोगों के बीच रहने वाली है और पुष्पा जैसे इंसान को अपने प्यार में बढ़ने पर मजबूर करने वाली है, तो बेशक ही उनका किरदार काफी अहम और काफी मजबूत होगा, जो कि असल में है भी। फिल्म में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे पुष्पा जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचकर राजा बनकर जाता है, और उसमें रश्मिका भी उनका पूरा साथ देती है, जबकि असल में तो वो उनकी हर एक्टिविटी पर नजर अटकाई हुई है और लास्ट में उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक ट्विस्ट तब आएगा जब फिल्म में श्रीवल्ली की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसे एक वक्त पर जब वो कुछ भी नहीं कर सकती, और तब पुष्पा बच जाता है। क्या आप जानते हैं कि श्रीवल्ली के किरदार को नेगेटिव बनाने का आइडिया हमारे डायरेक्टर साहब यानी सुकुमार को खुद पुष्पा बने अल्लू अर्जुन ने ही दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर श्रीवल्ली को पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव दिखाया जाए तो कैसा होगा, और फिर इन बातों की पूरी सच्चाई पार्ट टू में दिखाया जाए। इस पर सुकुमार ने बहुत पॉजिटिवली ध्यान दिया और इसके बारे में सोचने को कहा।
फिर इस बारे में विचार करने पर उन्होंने कहानी में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए और फिर जो हुआ वो अब सबके सामने आने ही वाला है। दोस्तों रश्मिका भी इस चेंज से काफी खुश हुई क्योंकि उन्हें अब तक किए गए अपने रोल से कुछ अलग करने का मौका जो मिल रहा है, इसलिए वो भी तुरंत ही मान गए। इसके बाद अपनी इमेज को पॉजिटिव दिखाने के लिए बॉलीवुड में एंट्री जो कर रही है। वन सेकेंड, आपको ये नहीं पता? दोस्तों आपको ये कैसे नहीं पता, रश्मिका जल्द ही बॉलीवुड के शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू में दिखाई देंगी, जो उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बनेगी। उस फिल्म और उनके रोल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? क्या हॉलीवुड मिक्स होने वाली है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा? क्या फिल्म में अल्लू अर्जुन एक खतरनाक भेड़िए से लड़ने वाले हैं? और क्या नाम हो सकता है पुष्पा पार्ट टू का? हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियो। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी एक सिनेमा स्टार का नाम बताइए जो अक्सर खबरों में रहते हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन होंगे? भाई अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मेरे हिसाब से तो वो हमारे हैंडसम, डैशिंग, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ही होंगे। वो न केवल टॉलीवुड के कमाल के एक्टर हैं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अमेजिंग डांसर भी हैं। हम सभी ये जानते हैं कि फिल्म पुष्पा काफी बड़े बजट में बनाई जा रही है और KGF और बाहुबली के बाद देश को अट्रैक्ट करने वाली ये अगली सीक्वल हो सकती है। फिल्म पुष्पा एक ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है जो कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों की लाल चंदन की चोरी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये तय तारीख पर रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स इस साल के 24 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपनी फिल्म को बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पूरा कर लेंगे। फिल्म पुष्पा को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाना है जिसके लिए सुकुमार ने दोनों पार्ट्स के अलग अलग नाम रखने का डिसाइड किया है। हालांकि फिल्म मेकर्स ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि वो पार्ट टू के लिए क्या नाम रखने वाले हैं। डायरेक्टर सुकुमार फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसी नाम के साथ आगे बढ़ेंगे लेकिन सेकंड पार्ट के लिए वो दूसरा नाम रखना चाहते हैं। तो फैंस को इसका नाम तभी पता चल पाएगा जब पार्ट वन रिलीज होगी। हाईली अवेटेड मेगा पैन इंडिया में से एक स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपनी शूटिंग पूरे जोरों से शुरू कर दी है। ये 30 दिनों का एक लंबा शेड्यूल होने वाला है जहां फिल्म की बाकी बची पूरी शूटिंग को हैदराबाद में कवर किया जाएगा। वहीं फिल्म पुष्पा की टीम भी पूरे प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए एकदम तैयार है। अल्लू अर्जुन ने सिनेमा की दुनिया को एक नए जोश के साथ भर दिया है और फैंस को सिनेमा घरों में आने वाले दिनों में देखने के लिए बहुत कुछ नया भी दिया है। जब से इस फिल्म का फर्स्ट लुक इंट्रोडक्शन टू पुष्पराज फैंस देखे हुए हैं तब से ही इस फिल्म के लिए बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं और उतनी ही एक्साइटेड है फिल्म पुष्पा की टीम भी। ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर फिल्म है जहां काफी सारे ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो दिल को छू जाएंगे। साथ ही फिल्म मेकर्स के लिए इन्हें फिल्माना किसी जॉय राइड से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये फिल्म हॉलीवुड मिक्स फिल्म होने वाली है, यानी कि सुकुमार इस फिल्म में एक विशाल भेड़िए के फाइट सीक्वेंस को दिखाने की योजना बना रहे हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन और खूंखार भेड़िए के बीच में एक फाइट सीक्वेंस होने की उम्मीद है और ये भेड़िए का फाइट सीक्वेंस हॉलीवुड की मूवी द बॉर्न लेगेसी से इंस्पायर्ड है। साथ ही इस फिल्म में एक और फाइट सीक्वेंस होने वाला है, वो भी हॉलीवुड की मूवी द बॉर्न आइडिया।
रश्मिका ने कैसे खत्म किया था रूढ़ीवादी सोच को और नए एड पर ऑडियंस का क्या है रिएक्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना ने एक साथ आकर एक ब्रांड के लिए शूट किया। बता दें दोस्तों कि रश्मिका ने जिस ब्रांड के लिए शूट किया वो मेंस बियर ब्रांड है। दोस्तों रश्मिका को विकी कौशल के साथ इस एड में मॉडल के रूप में कास्ट करना लोगों की रूढ़ीवादी सोच को तोड़ना है। दरअसल साल 2007 में एक अंडरवेयर ब्रांड के लिए टेलीविजन विज्ञापन ये तो बड़ा टाइम है लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों इस विज्ञापन ने रूढ़ीवादी सोच पर घात किया था। इस जिंगल को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था और अब एक लंबे समय के बाद ये ब्रांड माचो स्पोर्ट्स की लॉन्चिंग के साथ वापसी कर रही है। बता दें कि इस मेंसवियर ब्रांड के लिए विकी कौशल और रश्मिका मंदाना ने शूट किया और इस एड में दोनों पहली बार साथ नजर आ रहे हैं। ये एड फीमेल गेज यानी कि दोस्तों मेन अंडरवियर की पट्टी को तारने को उचित ठहराने की मेंटालिटी के साथ वापसी कर रहा है। नेशनल क्रश बन चुकी रश्मिका जैसी फेमस एक्ट्रेस को एक मेन वियर प्रोडक्ट के लिए मॉडल के तौर पर लेना भी रूढ़ियों को तोड़ना है। अब इस एड में रश्मिका एक योगा टीचर के रूप में नजर आ रही है तो वही दोस्तों विकी कौशल इस एड में स्टूडेंट बने हैं। अब दोस्तों अपने इस नए विज्ञापन के बारे में बात करते हुए माचो स्पोर्टो की पेरेंट कंपनी जेजी हॉजरी के एमडी नवीन ने कहा, हमने अपने इस एड ये तो बड़ा टाइम है को एक मॉडर्न और ट्रेंडी अवतार दिया है। हालांकि एक मेंस वियर का विज्ञापन है लेकिन ये कैंपेन एक युवा और आत्मविश्वासी महिला के इर्द गिर्द घूमता है जो आकर्षक लगने पर एक पुरुष को ताकने की हिम्मत रखती है। आगे बातचीत करें तो उन्होंने कहा कि आज के समय में साइट के जरिए हम पुरुष प्रधान रूढ़ीवादी सोच को तोड़ते हुए ये बताना चाहते हैं कि आज की महिलाएं किसी भी तरह से कुछ भी करने से नहीं घबराती हैं। इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और नई बात शुरू करने के लिए पुरुष के अंडरवेयर ब्रांड से बेहतर क्या हो सकता है। विज्ञापन में दोस्तों उनके योगा सेशन के अलग अलग सीन्स हैं जिसमें रश्मिका विकी के माचोस फोटो वेस्ट बेल्ट की झलक देख लेती हैं। इसे दोबारा देखने के लिए रश्मिका विकी को ऊंचा उठाने और लंबे समय तक वैसे ही बने रहने के लिए कहती हैं और विकी इस मजाक को समझ जाते हैं फिर भी रश्मिका की बात मानते हैं। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिला है जब मेन वेयर अंडरवेयर के लिए दोस्तों महिला को इम्पोर्टेंस दी गई हो। ये दोस्तों एड फिल्म हल्के फुल्के अंदाज वाली है जिसमें विकी और रश्मिका ने अपने ऑन स्क्रीन रोल बखूबी निभाते हुए हमारे ब्रांड के मशहूर ह्यूमर को दिखाया है। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस पर कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो रही हैं लेकिन फिर भी सैड को पसंद करने वाले लोग ज्यादा हैं। आपको बता दें कि ऐसी ही एक ऑन स्क्रीन जोड़ी पान इंडिया फिल्म पुष्पा में नजर आने वाली है जो काफी खूबसूरत और स्टाइलिश है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत मतलब रश्मिका, स्टाइलिश मतलब अर्जुन और रश्मिका, ये दोनों ही अलग अंदाज में फिल्म। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? किस डायलॉग को रिक्रिएट किया रश्मिका ने? बॉलीवुड डेब्यूट से पहले ही क्यों फोकस है रश्मिका नॉर्थ में? पुष्पा के अलावा किन बॉलीवुड फिल्मों में दिखेंगी रश्मिका मांडेना? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही साउथ सेंसेशन रश्मिका मांडेना नॉर्थ ऑडियंस का दिल जीत रही है। रश्मिका को वैसे भी नेशनल क्रश कहा जाता है और हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसे देख लोग उनके लिए और भी पागल होते जा रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पाडुकोन की पहली फिल्म ओम शांति ओम के पॉपुलर डायलॉग एक चुटकी सिंदूर को फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। वो इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ रश्मिका के फैंस बल्कि खुद दीपिका भी उनके डायलॉग डिलीवरी से काफी इम्प्रेस हुई हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा स्टोरी पर रश्मिका के इस वीडियो को शेयर भी किया। दरअसल रश्मिका मांडेना हाल ही में एक इंटरव्यू देने पहुंची थी जहां उनसे ये डायलॉग बोलने के लिए कहा गया था। ऑफ व्हाइट शर्ट पहने रश्मिका मांडेना ने लाइनों को पूरी तरीके से अच्छे से डिलीवर किया जो दीपिका पाडुकोन से लेकर उनके तमाम फैंस को काफी पसंद आया। आपको बता दे रश्मिका मांडेना जल्द ही फिल्म मिशन मजनू के जरिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है।
फिलहाल रश्मिका मांडेना ने अपने हिस्से की शूटिंग ऑलरेडी खत्म कर ली है और देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस किरदार को लोग कितना पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने कहा, पहला हमेशा खास होता है और मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म मिशन मजनू ने मुझे अपनी सारी सीमाओं को पार करने का मौका दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दिल ये जानकर खुश है कि मैंने इस फिल्म से और इन खूबसूरत लोगों के साथ हिंदी सिनेमा में अपना सफर शुरू किया है। उन्होंने आगे बताया कि इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने हाँ क्यों किया। पहले डिस्कशन में ही मुझे पता था मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी नहीं तो मैं इस किरदार को दोबारा नहीं करती। रश्मिका का कहना था कि उनका किरदार काफी खास होने वाला है और साथ ही लोगों को ये फिल्म देखकर काफी अच्छा भी महसूस होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, मिशन मजनू के अलावा अमिताभ बच्चन की गुड बाय और साउथ सुपरस्टार के साथ फिल्म पुष्पा द राइज में भी रश्मिका मांडेना जल्द ही नजर आने वाली हैं। रश्मिका मांडेना साउथ इंडियन सिनेमा की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस है, यह बात तो हम सभी को पता है, लेकिन साथ ही साथ अब उन्हें नेशनल क्रश भी कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ टॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी वो छाई हुई हैं। उनकी दूसरी फिल्म यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या हॉलीवुड मिक्स होने वाली है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा? क्या फिल्म में अल्लू अर्जुन एक खतरनाक भेड़िए से लड़ने वाले हैं? और क्या नाम हो सकता है पुष्पा पार्ट टू का? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी एक सिनेमा स्टार का नाम बताइए जो अक्सर खबरों में रहते हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन होंगे? भाई, अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मेरे हिसाब से तो वो हमारे हैंडसम, डैशिंग, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ही होंगे। वो न केवल टॉलीवुड के कमाल के एक्टर हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अमेजिंग डांसर भी हैं। हम सभी ये जानते हैं कि फिल्म पुष्पा काफी बड़े बजट में बनाई जा रही है और KGF और बाहुबली के बाद देश को अट्रैक्ट करने वाली ये अगली सीक्वल हो सकती है। फिल्म पुष्पा एक ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है, जो कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों की लाल चंदन की चोरी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये तय तारीख पर रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स इस साल के 24 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपनी फिल्म को बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पूरा कर लेंगे। फिल्म पुष्पा को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाना है, जिसके लिए सुकुमार ने दोनों पार्ट्स के अलग अलग नाम रखने का डिसाइड किया है। हालांकि फिल्म मेकर्स ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि वो पार्ट टू के लिए क्या नाम रखने वाले हैं। डायरेक्टर सुकुमार फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसी नाम के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए वो दूसरा नाम रखना चाहते हैं। तो फैंस को इसका नाम तभी पता चल पाएगा जब पार्ट वन रिलीज होगी। हाईली अवेटेड मेगा पैन इंडिया में से एक स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपनी शूटिंग पूरे जोरों से शुरू कर दी है। ये 30 दिनों का एक लंबा शेड्यूल होने वाला है, जहां फिल्म की बाकी बची पूरी शूटिंग को हैदराबाद में कवर किया जाएगा। वहीं फिल्म पुष्पा की टीम भी पूरे प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए एकदम तैयार है। अल्लू अर्जुन ने सिनेमा की दुनिया को एक नए जोश के साथ भर दिया है और फैंस को सिनेमा घरों में आने वाले दिनों में देखने के लिए बहुत कुछ नया भी दिया है। जब से इस फिल्म का फर्स्ट लुक इंट्रोडक्शन टू पुष्पराज फैंस देखे हुए हैं, तब से ही इस फिल्म के लिए बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं और उतनी ही एक्साइटेड है फिल्म पुष्पा की टीम भी। ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, जहां काफी सारे ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो दिल को छू जाएंगे। साथ ही फिल्म मेकर्स के लिए इन्हें फिल्माना किसी जॉय राइड से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये फिल्म हॉलीवुड मिक्स फिल्म होने वाली है, यानी कि सुकुमार इस फिल्म में एक विशाल भेड़िए के फाइट सीक्वेंस को दिखाने की योजना बना रहे हैं।
फिल्म में अल्लू अर्जुन और खूंखार भेड़िए के बीच में एक फाइट सीक्वेंस होने की उम्मीद है और ये भेड़िए का फाइट सीक्वेंस हॉलीवुड की मूवी द बॉर्न लेगेसी से इंस्पायर्ड है। साथ ही इस फिल्म में एक और फाइट सीक्वेंस होने वाला है, वो भी हॉलीवुड की मूवी द बॉर्न आइडेंटिटी से। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? दौड़ में आगे क्यों प्रभास रह गए हैं साउथ स्टार से ही पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले सुपरस्टार प्रभास और अल्लू अर्जुन के फैंस के बीच में अक्सर ही ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर इन दोनों में से कौन नंबर वन की रेस में आगे है। तो इस वीडियो में हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। यहां जानिए कि आखिर कैसे बाहुबली स्टार प्रभास इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन से पीछे हैं। पहला, अल्लू अर्जुन ने दी है सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में। टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने प्रभास की तुलना में ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अल्लू अर्जुन के पास जहां 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, तो वहीं प्रभास बाहुबली सीरीज के साथ अपने खाते में सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में जुटा पाए हैं। अल्लू अर्जुन ने अब तक आर्या ज्वाली, रेस वुरुम सरायनाडु और अल्लाह वैकुंठपुरम अलो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। सेकेंड, रियल लाइफ में भी है भारी फैन फॉलोइंग। सिर्फ डिजिटल ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग प्रभास की तुलना में काफी ज्यादा है। अल्लू अर्जुन को लोग सेट्स या इवेंट्स में देखने के लिए बेतहाशा फॉलो करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। बाहुबली स्टार प्रभास इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया पर है ज्यादा फैन फॉलोइंग। बता दें, टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जबकि प्रभास को इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन लोग ही फॉलो करते हैं। जबकि दोनों ही स्टार्स कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है फिर भी। चौथा, सक्सेस रेशियो भी है जबरदस्त। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रेस में ही प्रभास से बाजी नहीं मारी है, बल्कि अल्लू अर्जुन की फिल्मों की सफलता की गारंटी भी प्रभास से ज्यादा है। अल्लू अर्जुन की फिल्मों की सक्सेस का रेशियो जहां 84% है, वहीं प्रभास की फिल्मों का सफलता का रेशियो सिर्फ 58% है। ये सब तब है जब प्रभास ने बाहुबली जैसी हिट फिल्में दी हैं। अगर वो बाहुबली ना करते तो देश में शायद उनका कोई नाम ही ना जानता। पांचवा, अल्लू अर्जुन है असली पैन इंडिया स्टार। बाहुबली सीरीज के अलावा सुपरस्टार प्रभास की शायद ही कोई फिल्म हिंदी दर्शकों ने देखी हो, जबकि अल्लू अर्जुन एक नहीं बल्कि अपनी कई फिल्मों के हिंदी डब वर्जन की वजह से देश के घर घर में जाने जाते हैं। यही नहीं, इनकी फिल्में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी और दूसरी भाषाओं में भी डब होती है, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग देश भर में बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो अभी तक बिना किसी पैन इंडिया रिलीज फिल्म के ही इतने जाने जाते हैं। और अब तो उनकी ऑफिशियली पुष्पा भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, जिसमें रश्मिका मंदाना के साथ वो नजर आएंगे, जो कि लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। छठा, हर एक्ट्रेस के साथ है जबरदस्त केमिस्ट्री। अनुष्का शेट्टी को छोड़कर फिल्म स्टार प्रभास की केमिस्ट्री किसी भी अदाकारा के साथ इतनी खास नहीं नजर आती। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि अनुष्का ही प्रभास के लुक को ऑन स्क्रीन ज्यादा दमदार बनाती है, जबकि अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री ज्यादातर एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन कमाल की लगती है। यही कारण है कि वो हर फिल्म में हर दूसरी हीरोइन के साथ नजर आते हैं। सेवन, पुष्पा के सामने फीकी है प्रभास की आने वाली फिल्में। सुपरस्टार प्रभास के हाथों में इन दिनों एक के बाद एक कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। वो राधे श्याम, आदि पुरुष, सालार जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन की सिर्फ एक ही फिल्म पुष्पा इन सभी पर भारी है, क्योंकि पुष्पा के रिलीज हुए पोस्टर ने लोगों के मन में इस फिल्म की कहानी को लेकर एक अलग ही जगह बना ली है, जिसे कोई नहीं ले सकता। आठवां, अल्लू अर्जुन के डांस के आगे फेल है प्रभास। अब इस बारे में तो कोई बहस करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अल्लू के डांस को कौन नहीं जानता। नाइन्थ, प्रभास नहीं करते एक्सपेरिमेंट। अल्लू अर्जुन अपनी हर फिल्म में कहानी, डायलॉग्स और तकनीकी बातों के साथ साथ अपने लुक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबका ध्यान खींचते हैं, जबकि प्रभास अपने लुक्स में कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या हॉलीवुड मिक्स होने वाली है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा? क्या फिल्म में अल्लू अर्जुन एक खतरनाक भेड़िए से लड़ने वाले हैं? और क्या नाम हो सकता है पुष्पा पार्ट 2 का? हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी एक सिनेमा स्टार का नाम बताइए जो अक्सर खबरों में रहते हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन होंगे? भाई, अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मेरे हिसाब से तो वो हमारे हैंडसम, डैशिंग, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ही होंगे। वो न केवल टॉलीवुड के कमाल के एक्टर हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अमेजिंग डांसर भी हैं।
हम सभी ये जानते हैं कि फिल्म पुष्पा एक काफी बड़े बजट में बनाई जा रही है और KGF और बाहुबली के बाद देश को अट्रैक्ट करने वाली ये अगली सीक्वल हो सकती है। फिल्म पुष्पा एक ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है जो कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों की लाल चंदन की चोरी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये तय तारीख पर रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स इस साल के 24 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपनी फिल्म को बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पूरा कर लेंगे। फिल्म पुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाना है जिसके लिए सुकुमार ने दोनों पार्ट के अलग अलग नाम रखने का डिसाइड किया है। हालांकि फिल्म मेकर्स ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि वो पार्ट टू के लिए क्या नाम रखने वाले हैं। डायरेक्टर सुकुमार फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसी नाम के साथ आगे बढ़ेंगे लेकिन सेकंड पार्ट के लिए वो दूसरा नाम रखना चाहते हैं। तो फैंस को इसका नाम तभी पता चल पाएगा जब पार्ट वन रिलीज होगी। हाईली अवेटेड मेगा पैन इंडिया में से एक स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपनी शूटिंग पूरे जोरों से शुरू कर दी है। ये 30 दिनों का एक लंबा शेड्यूल होने वाला है जहां फिल्म की बाकी बची पूरी शूटिंग को हैदराबाद में कवर किया जाएगा। वहीं फिल्म पुष्पा की टीम भी पूरे प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए एकदम तैयार है। अल्लू अर्जुन ने सिनेमा की दुनिया को एक नए जोश के साथ भर दिया है और फैंस को सिनेमा घरों में आने वाले दिनों में देखने के लिए बहुत कुछ नया भी दिया है। जब से इस फिल्म का फर्स्ट लुक इंट्रोडक्शन टू पुष्पराज फैंस देखे हुए हैं तब से ही इस फिल्म के लिए बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं और उतनी ही एक्साइटेड है फिल्म पुष्पा की टीम भी। ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर फिल्म है जहां काफी सारे ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो दिल को छू जाएंगे। साथ ही फिल्म मेकर्स के लिए इन्हें फिल्माना किसी जॉय राइड से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये फिल्म हॉलीवुड मिक्स फिल्म होने वाली है यानी कि सुकुमार इस फिल्म में एक विशाल भेड़िए के फाइट सीक्वेंस को दिखाने की योजना बना रहे हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन और खूंखार भेड़िए के बीच में एक फाइट सीक्वेंस होने की उम्मीद है और ये भेड़िए का फाइट सीक्वेंस हॉलीवुड की मूवी द बॉर्न लेगेसी से इंस्पायर है। साथ ही इस फिल्म में एक और फाइट सीक्वेंस होने वाला है वो भी हॉलीवुड की मूवी। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या अनीश कुरुविला दिखेंगे इस फिल्म में? क्या है पुष्पा के लीक्ड वीडियो के बारे में? क्या सोनू सूद होंगे पुष्पा पार्ट टू के विलेन? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड। आ गया है अगस्त का महीना और इसी के साथ करीब आ रहा है अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा राज का रिलीज डेट। पुष्पा राज एक ऐसी पिक्चर होने वाली है जिसमें अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर काफी आइकॉनिक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है जब वो बड़े पर्दे पर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से उनके फैंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड और उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए। इस मूवी को चार्ट बस्टर सॉन्ग्स देने वाले हैं देवी श्री प्रसाद, लेकिन अभी तक फिल्मों के गाने के लिरिसिस्ट के बारे में पता नहीं चल पाया है। इस फिल्म से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस है। डायरेक्टर सुकुमार का लास्ट फिल्म यानी रागस्थलम, जिसके हीरो थे रामचरण, वो काफी बड़ी हिट हुई थी। इसी वजह से दोस्तों पुष्पा से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म के दो पार्ट्स होने वाले हैं और इस फिल्म का पार्ट टू रिलीज होगा 2023 में। अगर बात की जाए फिल्म के सीक्वल के बारे में तो पुष्पा पार्ट टू में हम देख सकते हैं सोनू सूद को। जी हाँ, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मांडेना स्टारर इस फिल्म में देखा जाएगा। मलयालम मूवी स्टार फहाद फाजिल को विलन के रूप में, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद पुष्पा पार्ट टू में सोनू सूद निभा सकते हैं विलेन का किरदार। दोस्तों ये बात अनजानी नहीं है कि सोनू सूद साउथ फिल्म्स में
ज्यादातर विलेन के रूप में ही नजर आते हैं, लेकिन लॉकडाउन में जो सोनू सूद ने किया है सब लोगों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं है। सोनू सूद एक टैलेंटेड एक्टर हैं, वो जो भी रोल प्ले करते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उनका रोल काफी पसंद भी किया जाता है ऑडियंस के सामने। जोधा अकबर में उनके सजामाल का रोल इसीलिए किसी ने नहीं भूला, इतनी सादगी से उन्होंने सुजामाल का कैरेक्टर प्ले किया और ऑडियंस को उनका ये कैरेक्टर इतना पसंद भी आया। रिसेंटली ये सुनने में आ रहा था कि अनीश इस फिल्म में प्ले करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रोल, मगर जैसा कि हमने सोचा ये बात गलत निकली। अनीश ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि मूवी में वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर विश्वास करना अच्छा लगता है, लेकिन पुष्पा में अनफॉर्चुनेटली वो घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? क्या नया फैसला लिया है डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर? अल्लू अर्जुन के किस दूसरे डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन ने मचाई सनसनी? और रश्मिका मंदाना ने किस तरह की अल्लू अर्जुन की तारीफ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। कोरोना वायरस महामारी ने फिल्म इंडस्ट्री की सभी कैलकुलेशंस और रिलीज शेड्यूल को अस्त व्यस्त कर दिया है, जबकि कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स भी हैं जिन्होंने अपनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पसंद किया। वहीं कुछ मेकर्स ने रिलीज को डिले करने का फैसला किया है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा के प्रोड्यूसर्स अब करंट सिचुएशन के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए एक यूनिक सोल्यूशन लेकर आए हैं। हाल ही में उन्होंने कन्फर्मेशन दिया है कि वे पुष्पा को दो भागों में रिलीज करेंगे, जबकि टॉलीवुड में प्रीक्वल और सीक्वल काफी आम है। टॉलीवुड में ये ट्रेंड बाहुबली ने ही शुरू किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से होने वाली प्रॉब्लम्स के कारण ये डिसीजन लिया गया है। नई अपडेट के अनुसार जहां रश्मिका मंदाना स्टारिश स्टार के साथ पुष्पा के पहले भाग में मुख्य नायिका की भूमिका निभाएंगी, वहीं अगली कड़ी में उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। अब वो कौन सी एक्ट्रेस होंगी अब ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन कई समय से अल्लू अर्जुन के और दिशा पाटनी के साथ में काम करने की चर्चाएं थी, तो हो सकता है कि शायद दिशा ही पुष्पा को नई दिशा दे। ये भी कहा जा रहा था कि निर्देशक सुकुमार प्रेजेंट में एक पॉपुलर स्टार की तलाश कर रहे हैं जो सीक्वल में रश्मिका की जगह ले सके, क्योंकि प्रोड्यूसर्स पुष्पा के लिए पैन इंडिया रिलीज की प्लानिंग बना रहे हैं। वे अब पूरे भारत में फिल्म की सफलता की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को स्टार कास्ट में जोड़ने पर फोकस करना चाहते हैं। अल्लू अर्जुन पहले ही सुपरहिट फिल्म अला वेंकटपुरमल्लू में पूजा हेगड़े के साथ अपने बुटा बोमा सॉन्ग के साथ लाखों भारतीयों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने बॉलीवुड के दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी साइन किए और बादशाह के साथ अपने वीडियो टॉप टकर को रिलीज के बाद अब बी टाउन में एक जाना माना चेहरा है। पॉपुलर मलयालम अभिनेता फहाद फासल पुष्पा में मुख्य विलेन का रोल निभाएंगे और पहले भाग के अंत में दिखाई देंगे। मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा बैंक रोल ये फिल्म 25 दिसंबर 2021 को तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम में रिलीज होगी। वहीं कुछ समय पहले अल्लू अर्जुन ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपने फॉलोअर्स में दहशत पैदा कर दी थी। टॉलीवुड सुपरस्टार ने कुछ हफ्ते बाद अपने फॉलोअर्स को अपने दोबारा से टेस्ट नेगेटिव आने की सूचना देकर खुश कर दिया था। जब से अपकमिंग बिग बजट ड्रामा पुष्पा के निर्माताओं ने फिल्म की घोषणा की है, फैंस अपने पसंदीदा सितारों को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। सुकुमार द्वारा अभिनीत एक्शन और थ्रिलर ड्रामा में आइकन स्टार अल्लू अर्जुन, कन्नड़ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, मलयालम एक्टर फहाद फासिल, सुनील, हरीश अत्थमन, जगपति बाबू, वेनिला किशोर और अनसुया भारद्वाज के साथ एक स्ट्रॉन्ग कलाकारों की यूनिट शामिल है। पुष्पा की शूटिंग जून में हैदराबाद में शुरू हुई थी। अल्लू अर्जुन सुकुमार निर्देशित फिल्म में एक डरावने लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले लारी ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन रोजाना 2 घंटे मेकअप पर बिताते हैं। हेड व दाढ़ी को शेप देने के अलावा अल्लू अर्जुन सांवला लुक पाने के लिए टैन टचअप से गुजरते हैं। सोर्सेस का कहना है कि अभिनेता 2 दिन में 2 घंटे मेकअप पर लगाने के लिए और 1 घंटे उतारने में लगा रहे हैं। पुष्पा द राइज के टेक्निकल क्रू में सेंसेशनल म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद, सिनेमाटोग्राफर मिरोलसा कुबे ब्रिजोक और एडिटर कार्तिका श्रीनिवास शामिल है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।
मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में चल रही चर्चा की माने तो स्टार अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ काम करने जा रहे। पास में दोनों ने जुलाई के लिए एक साथ काम किया था, जिसमें गोवा की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने फिल्म में लीड की भूमिका निभाई थी। बाद में वे सनफ सत्यमूर्ति और अला वेंकटर पुरमल्लो के लिए दोबारा साथ आए और अब एक बार फिर बनी त्रिविक्रम श्रीनिवास जाधव पैदा करने के लिए टीम बना रहे। लेकिन इस बार वे बड़े पर्दे पर किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ नहीं आ रहे, लेकिन इस बार वे एक एड की शूटिंग साथ में करेंगे। ये पहली बार है जब आइकन स्टार और कन्नड़ एक्ट्रेस किसी पैन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक साथ काम कर रहे। हाल ही में रश्मिका मंदाना ने मीडिया से बातचीत की और स्टारिश स्टार और फहाद फासिल के लिए अपना अप्रिसिएशन शेयर किया। डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम फेम एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बस इतना पसंद है कि वे एक्टिंग करते समय अपनी आंखों को कितना इम्पैक्टफुल ढंग से इस्तेमाल करते हैं। रश्मिका मंदाना ने यह भी कहा कि उन्होंने अल्लू अर्जुन से यहां तक कह दिया था कि वे उनकी आंखों से प्यार करती हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? महेश बाबू से बड़े स्टार हैं अल्लू अर्जुन? क्यों लोग अल्लू अर्जुन को करते हैं ज्यादा प्यार? कौन से कारण पुष्पा को देंगे अच्छा खासा ब्रेक? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और अल्लू अर्जुन दोनों ही तेलुगु सिनेमा पर राज करते हैं। अक्सर ही इन दोनों सितारों के बीच फैंस में नंबर वन को लेकर बहस छिड़ी रहती है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इस रेस के बादशाह महेश बाबू नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन है। बता दें, फिल्मी करियर में सीनियर होकर भी अल्लू अर्जुन से पीछे रह गए हैं महेश बाबू। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने साल 1999 में बतौर लीड एक्टर फिल्म राजकुमार उदू से टॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि अल्लू अर्जुन ने साल 2003 में फिल्म गंगोत्री से डेब्यू किया था। बावजूद इसके इनके करियर ग्राफ में बड़ा फर्क है। बता दें, अल्लू अर्जुन ने दूसरी ही फिल्म दी थी ब्लॉकबस्टर। डेब्यू के बाद अल्लू अर्जुन ने जहां दूसरी ही फिल्म आर्या ब्लॉकबस्टर दे दी थी, तो सुपरस्टार महेश बाबू को पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म देने में पूरे 3 साल का समय लगा था। उनकी चौथी फिल्म मुरारी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। बता दें, कम फिल्में देकर भी अल्लू अर्जुन के पास है 4 ब्लॉकबस्टर फिल्म। अल्लू अर्जुन ने महेश बाबू के मुकाबले में कम ही फिल्में की हैं। बावजूद इसके महेश बाबू के पास 5 तो एक्टर अल्लू अर्जुन के पास 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। क्योंकि महेश बाबू ने कई सारी फ्लॉप मूवीज दी हैं, जहां अल्लू अर्जुन ने अब तक कुल 3 फिल्में फ्लॉप दी हैं, तो महेश बाबू के खाते में 8 फिल्मों का नाम दर्ज है। साथ ही महेश बाबू की फिल्मों की सफलता का रेशियो जहां 70% है, तो अल्लू अर्जुन की फिल्मों की सफलता का रेशियो 84% है। इसके अलावा टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू को इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जबकि अल्लू अर्जुन के फॉलोअर्स की संख्या 13 मिलियन है। यही नहीं, फेसबुक पर भी अल्लू अर्जुन को 2.1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, जबकि टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू को फेसबुक पर सिर्फ 1.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन जहां अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाते हैं और उसके हिसाब से अपने लुक्स में भी हर फिल्म में खासा बदलाव करते हैं, तो वहीं महेश बाबू ज्यादातर एक ही तरीके के लुक में दिखाई देते हैं, जिससे उनके फैंस को नयापन नहीं दिखता। साथ ही सबसे बड़ा कारण है जिससे अल्लू अर्जुन महेश बाबू से आगे हैं, वो है टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू ने जहां अभी तक एक भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है, तो वही अल्लू अर्जुन पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा के जरिए हिंदी दर्शकों को भी दीवाना बनाने की तैयारी में है। इससे एक बड़ी संख्या में अल्लू अर्जुन के फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं, जो इनके आने वाले समय में काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको क्या लगता है? घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्यों बढ़ने वाली है अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी?
कौन सी खुशखबरी है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए। क्या अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन प्रशांत नील के साथ भी होने वाला है? सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाचक और स्वागत करती हूं आपको बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहां आपको मिलते हैं मसालेदार गॉसिप्स और सभी लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की पुष्पा के लिए तो सभी बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आज आपको बता देते हैं कि अगर आप इस स्टाइलिश और क्यूट स्टार के फैन हैं, तो आपके पास एक्साइटेड होने के और भी कारण हैं। पुष्पा द राइज इसके अलावा भी और भी कई फिल्में स्टार के पास लाइनअप हो रखी हैं। पुष्पा के बाद अल्लू आइकॉन की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े और कृति शेट्टी नजर आएंगी। फिर खबरें तो ये भी हैं कि आइकॉन के ही साथ बोयापति श्रीनु की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी करेंगे अल्लू। अब सांसें जरा थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि स्टार डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ भी अल्लू अर्जुन एक हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म में नजर आएंगे, जिसमें वो ऐसा किरदार करेंगे जो आज तक के सब किरदारों से हटकर होगा। इसके अलावा कोरतल्ला सिवा और मुर्गदास जैसे नामी निर्देशकों के साथ भी वो काम करेंगे। यानी अब आपको कमाल की कई फिल्में मिलने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। अल्लू अर्जुन फिलहाल टॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। 2003 में फिल्म गंगोत्री से अर्जुन ने डेब्यू किया और तब से लेकर करियर का और फैन फॉलोइंग का ग्राफ बस ऊपर ही जा रहा है। साल 2021 और 2022 में जब इनकी झोली में लगातार फिल्में आ रही हैं, तो इसका असर इनकी पॉपुलैरिटी पर भी जरूर पड़ेगा। वही फिल्म पुष्पा ने तो रिलीज होने से पहले ही खलबली मचा रखी है, लेकिन क्या उनकी बाकी की फिल्में भी ऐसा ही जलवा दिखा पाएंगी? आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही लिखना ना भूलें कि पुष्पा के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। अभी के लिए हम लेंगे इजाजत और मिलेंगे नए वीडियो में नई खबरों के साथ। और हाँ, आप देखते रहिए हमारे वीडियो रोज, ताकि मिलती रहे आपको बॉलीवुड की डोज। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। नहीं आएगी अल्लू अर्जुन की फिल्म, किस चीज का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं मेकर्स? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा के मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही ये ऐलान किया था कि वो अपनी इस मेगा बजट फिल्म को तय तारीख यानी कि क्रिसमस के दिन ही रिलीज करेंगे। आपको बता दें कि सुकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दो भागों में बनाया जाएगा, जिसके पहले भाग को लेकर दर्शक इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि फिल्म क्रिसमस तक पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी होगी। उसके अलावा उनकी उम्मीद ये भी है कि तब तक थिएटर्स खुल जाएंगे और फैंस भी अपने घरों से निकलकर फिल्म देखने आएंगे। लेकिन एक्साइटमेंट के बीच एक दुखी कर देने वाली खबर भी सामने आ रही है। दरअसल मेकर्स ने अब ये फैसला लिया है कि फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि उनका ये फैसला इस वजह से नहीं है कि फिल्म तब तक पूरी नहीं हो पाएगी, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेकर्स सोच रहे हैं कि क्रिसमस के आसपास बहुत सारी और भी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से फैंस के बीच कंफ्यूजन का माहौल बना रहेगा कि आखिर वो कौन सी फिल्म देखे और कौन सी छोड़ दे।
ऐसे में मेकर्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि फैंस उनकी फिल्म को छोड़ दे। वो चाहते हैं कि फिल्म जितना डिजर्व करती है कम से कम उतनी ऑडियंस तो उसे मिल सके। दोस्तों हमारे यहाँ बॉक्स ऑफिस में ओपनिंग डे की कलेक्शन का बहुत मायना माना जाता है और अगर फिल्म 6 और फिल्मों के साथ एक ही दिन रिलीज होती है तो बेशक ही इसका असर फिल्म पर पड़ेगा। इसीलिए मेकर्स ने अब ये फैसला किया है कि वो फिल्म को प्रीपोन करते हुए इसे 25 दिसंबर नहीं बल्कि 17 दिसंबर को रिलीज करेंगे। हालांकि देखा जाए तो डेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन इस तरह से फिल्म को सोलो रिलीज तो मिल ही जाएगी। पुष्पा एक मास एंटरटेनर होगी इस बात में तो कोई भी दोष नहीं। मेकर्स ने ऐसा बिग क्लैशेस से बचने के लिए भी किया है और ये कदम उठाया है। अब आप देखिए ना, एक तरफ वर्ल्ड फेमस एक्टर आमिर खान की लाल सिंह चढ़ता है तो दूसरी तरफ साउथ के बड़े स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा कॉम्पिटिशन का बल्ला किस तरफ ज्यादा भारी है ये तो हमें शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस आखिर कौन है रश्मिका का रूमर्ड बॉयफ्रेंड? क्या कहा रश्मिका ने तमिल कल्चर के बारे में और क्या बनने वाली है तमिलनाडु की बहू? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फिल्म गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थी। दोस्तों बता दो कि इन फिल्मों में इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इतना ही नहीं, कई बार तो ये लोग ये भी कहते हैं कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा के बीच अफेयर चल रहा है। इसकी एक वजह इन दोनों की क्लोज बॉन्डिंग भी है। हाल ही में दोस्तों रश्मिका ने विजय के साथ अफेयर की खबरों को लेकर काफी कुछ कहा है। रश्मिका से जब पूछा गया कि उनके फैंस दोबारा विजय के साथ उन्हें ऑन स्क्रीन कब देख पाएंगे, इस पर रश्मिका ने कहा उनके साथ मेरी तीसरी फिल्म के बारे में उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो लीगर की शूटिंग कर रहे हैं और मुझे उस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अगर मेरी और उनकी टाइमलाइन मैच होती है तो हम जरूर अगली फिल्म साथ करेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात की। रश्मिका ने कहा मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों की एनर्जी मैच करती है और यही वजह है कि हमें केमिस्ट्री दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। बता दें दोस्तों कि विजय देवरकोंडा अलीगढ़ से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और दोस्तों इसी साल 18 जनवरी को विजय ने अपने ट्विटर हैंडल पर अलीगढ़ का पहला पोस्टर भी शेयर किया था। इसके कुछ समय बाद रश्मिका ने अपनी टाइमलाइन पर उनका पोस्ट रीट्वीट करते हुए विजय के लिए खूबसूरत सा मैसेज लिखा था। अपने मास्टरपीस को स्क्रीन पर देखने का इंतजार अब और नहीं कर सकती, मेरे प्यारे शैतान विजय देवरकोंडा को ऑल द बेस्ट। विजय देवरकोंडा ने इसी साल 9 मई को बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस मौके पर दोस्तों रश्मिका ने अपनी सोशल स्टोरी पर विजय देवरकोंडा के साथ बिताए गए स्पेशल मोमेंट के फोटो शेयर करते हुए जन्मदिन की बधाई दी थी। इन फोटोज में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और फोटो शेयर करते हुए रश्मिका ने लिखा मुझे पता है कि मैं सुपर लेट हूँ लेकिन हैप्पीएस्ट बर्थडे मिस्टर देवरकोंडा। कुछ दिनों पहले रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें तमिल कल्चर काफी प्रभावित करता है और वो किसी तमिलियन लड़के से ही शादी करना चाहती हैं। रश्मिका कहती हैं कि वो तमिलनाडु के कल्चर से बहुत प्रभावित हुई हैं और खासकर उनके खाने से। उन्हें तमिल खाने से प्यार हो गया है और वो बहुत डिलीशियस होता है। उम्मीद है कि वो तमिलियन के साथ शादी करेंगी और तमिलनाडु की बहू बनेंगी। बता दें दोस्तों कि रश्मिका मंदाना बहुत ही कम समय से टॉलीवुड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली एक्ट्रेस बनी है। फिल्म मिशन मजनू के जरिए वो जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री लेने जा रही हैं और दोस्तों रश्मिका मंदाना ने अपनी स्कूलिंग कुर्ग पब्लिक स्कूल कोडगू से की है जबकि दोस्तों आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस से पढ़ाई की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो रश्मिका जल्द ही पुष्पा मिशन मजनू और गुड बाय जैसी फिल्मों में नजर आने वाली है। दोस्तों बता दो कि विजय के साथ उनकी केमिस्ट्री के चर्चे अल्लू अर्जुन से भी होते रोज सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। लाइव सेशन में भी रश्मिका अपने और अर्जुन के बारे में बात कर रही हैं लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। रियल We'll be right back.
मारने के बाद करूंगा। किसका हुआ था इंस्टाग्राम लाइव? क्यों कुछ नहीं बोला रश्मिका के फिल्म को लेकर? अल्लू अर्जुन क्यों नहीं है सोशल मीडिया पर एक्टिव? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। सोशल मीडिया आज हमारे लाइफ में काफी ज्यादा मायने रखने लगा है। आज कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हमें सोशल मीडिया से पता चलती है, अब चाहे वो किसी फिल्म की रिलीज डेट हो या फिल्म से जुड़ी हुई बात। इसमें भी इंस्टाग्राम या ट्विटर भारी मात्रा में यूज होने वाले प्लेटफॉर्म है। अगर फिल्म को हिट या फ्लॉप करना हो या कोई रिव्यू देना हो तो वो भी काम आज तो सोशल मीडिया पर होने लगा है। कोरोना काल में प्लेटफॉर्म्स और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस बीच इंस्टाग्राम से एक न्यूज सामने आई है। बता दें कि साउथ सिनेमा की नेशनल क्रश एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फैंस से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने मूवी में अपने रोल, कहानी और अल्लू अर्जुन के बारे में बात करी थी। यूजर्स ने भी उनसे ढेर सारे सवाल और जवाब करे थे, जिसके रश्मिका ने भी बेबाकी ही जवाब दिए थे। लाइव सेशन में जब रश्मिका मंदाना से फिर पुष्पा के उनके को एक्टर अल्लू अर्जुन को लेकर सवाल किया और कहा कि उन्हें एक शब्द में डिस्क्राइब करो, तो एक्ट्रेस ने भी तुरंत जवाब दिया और कहा कि उनके लिए केवल एक शब्द काफी नहीं है, लेकिन उनके लिए उन्होंने कहा कि वो कमाल के हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा रश्मिका ने फिल्म पुष्पा को लेकर कहा कि ये एक सेंसेशनल मूवी है। यहाँ हम आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन इन सभी सोशल मीडिया एक्टिविटीज से हमेशा ज्यादा दूरी रहते हैं, हमेशा इंस्टाग्राम या ट्विटर पर बस फिल्म से रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं। वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, या यूं कह लीजिए कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट एकदम ठंडा पड़ा रहता है। चलिए फिर वापस चलते हैं रश्मिका के लाइव सेशन में। इसमें एक यूजर ने रश्मिका से फिल्म में उनके रोल के बारे में भी सवाल करा है, तो एक्ट्रेस ने भी इसका मजेदार अंदाज से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पुष्पा सेंसेशनल होने वाली है। बता दें कि पुष्पा निर्देशन सुकुमार द्वारा किया जा रहा है। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के अलावा जगपति बाबू, अंशुआ भारद्वाज जैसे एक्टर्स अहम रोल में नजर आने वाले हैं। मूवी को लेकर बताया जा रहा है कि इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट पुष्पा द राइज होगा, जिसे थिएटर में क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। इसे फिल्म को 5 भाषाओं में तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाने वाला है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। बॉलीवुड की एक हॉट एक्ट्रेस करने वाली है डांस, कैसे एक्ट्रेस को करनी पड़ेगी काफी मेहनत, वही कैसे एक्टर अल्लू अर्जुन ने फैंस का दिल एक बार फिर से जीता। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा इस साल की न केवल सबसे अवेटेड तेलुगु फिल्मों में से एक है, बल्कि हाल ही में भारतीय सिनेमा की भी सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म के प्लॉट से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक, सेटिंग, कैमरा वर्क, अल्लू अर्जुन का लुक, उनकी फीमेल लीड रश्मिका मंदाना, विलन के रूप में फहद फासिल, स्टाइलिश स्टार के साथ सुकुमार की टीम ने फिर से हम सभी को सुपर एक्साइटेड कर दिया है। और अब पुष्पा के बारे में एक नई खबर विशेष रूप से फिल्म को लेकर सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप भी फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे।
वैसे ही फिल्म में स्टाइलिश स्टार है, नेशनल क्रश है, अब ऊपर से फिल्म में बेबी डॉल भी दिखने वाली है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक पॉपुलर सोर्स ने बताया है कि पुष्पा के मेकर्स फिल्म के लिए एक विशेष डांस नंबर शूट करना चाहते हैं और अल्लू अर्जुन ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये तो बस अभी शुरुआत है। ये भी कहा गया है कि ये फिल्म की नायिका रश्मिका मंदाना नहीं है जो सुपरस्टार के साथ गाने में दिखाई देगी, बल्कि एक सुपर सेक्सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो अपने बोल्ड अवतार और डांस फ्लोर पर हॉट मूव्स के लिए जानी जाती है, जो ट्रैक में स्टाइलिश स्टार के साथ दिखेंगी। लेकिन पिछले दिनों जहां रश्मिका डांस रिहर्सल्स करती दिखी, उससे तो यही लग रहा था कि हमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका ही डांस पर चांस मारते दिखेगी। लेकिन लगता है जहां फिल्म में मलयाली एक्टर को लेना कम था, मेकर्स बॉलीवुड का तड़का डालकर फिल्म को एक फुल फ्लेज्ड पैन इंडिया फिल्म घोषित कर रहे हैं। वहीं आप राहत की सांस लें क्योंकि फिल्म में रश्मिका जरूर अल्लू अर्जुन के साथ कई गानों पर डांस करती दिखेंगी। अब दोनों रोमांटिक कपल है तो दोनों के बीच डांस न हो उनकी केमिस्ट्री दिखाने के लिए तो फिर काय का सिनेमा। हमें जो बताया गया है उसके अनुसार पुष्पा द राइस के मेकर्स ने डांस नंबर के लिए सनी लियोनी या उर्वशी रौतेला से संपर्क किया होगा। उर्वशी रौतेला या सनी लियोनी में से किसी एक के साथ डांस फ्लोर पर डांस करते अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। वहीं फिल्म पुष्पा का पहला भाग फिल्म बाहुबली और केजीएफ जैसे दो अलग अलग हिस्सों में रिलीज किया जाएगा, जहां साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन न सिर्फ एक्टिंग में माहिर है बल्कि उन्हें उनकी लिसिट डांसिंग के लिए भी जाना जाता है, जिसे मैच करना हर हीरोइन के बस की बात नहीं है। लेकिन जब फिल्म में सनी रहती है तो दर्शकों की नजर किंग खान तक से फिसल जाती है, तो अल्लू अर्जुन किस खेत की मूली है। आपको ये बताने की तो हमें वैसे जरूरत नहीं है, चलिए फिर भी बता देते हैं। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक फिल्म में दो खूबसूरत एक्ट्रेस का भी रहना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम और आप जैसी फिल्मों के दीवाने कभी भी इन एक्ट्रेसेस को आपस में कंपेयर करने लगते हैं। और जब एक तरफ क्यूट एंड ब्यूटीफुल नेशनल क्रश हो और दूसरी ओर हॉट एंड बोल्ड डांस क्वीन, तो कंपैरिजन तो होगा ही। और ऐसे में कई बार फिल्मों में इन स्पेशल अपीयरेंस को कट भी करवाया जाता है ताकि फीमेल लीड की पब्लिसिटी पर असर न पड़े। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को उनके नखरा करने के लिए भी जाना जाता है। कभी आमिर खान ने फिल्म के डायरेक्शन में टांग अड़ाई तो कभी किसी एक्ट्रेस ने दूसरी एक्ट्रेस का रोल कटवाया। ये तो मानो जैसे आम बात है, लेकिन कभी कभी यही नखरीले सितारे हमारा दिल जीत लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी से। एक अभिनेता जो वर्तमान में अपनी सादगी के लिए अप्रिशिएट किए जा रहे हैं वो है तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन। स्टाइलिश स्टार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सादगी के राजा है, क्योंकि उनका एक सड़क किनारे ब्रेकफास्ट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को शामिल करते हुए कई सोशल मीडिया ट्वीट्स के अनुसार हम देखते हैं कि अल्लू अर्जुन गोकुरम के पास एक सड़क किनारे टिफिन सेंटर में कुछ ऑथेंटिक नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता अपनी अगली फिल्म पुष्पा की शूटिंग के दौरान खाना खाने के लिए रुके थे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं। अल्लू अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं, जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में रिलीज करने का सोचा गया है। और डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलेन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन एक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन और तबाहतोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं। इस मूवी में अल्लू अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा एक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं इस फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग साउथ के अलग अलग लोकेशंस में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डायलेक्ट में फिल्म के सभी डायलॉग्स बोलने हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन अलग से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी कर पाए। पुष्पा राज एक साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मूवी को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था।
उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी काफी सारी सावधानियां बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सिंपल एंड स्वीट एक्टर। पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना के मोटुगुडेम विलेज में शूट किया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल्लू अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने अल्लू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटरैक्ट भी किया। सेकंड वेव के चलते पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है। बीच में 28 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी, जिसके कारण कुछ दिन तक अल्लू अर्जुन होम क्वारंटीन थे, जिसे वहां जा मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एज पर स्केड्यूल टाइम पर रिलीज कर पाना मुश्किल है। तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रिलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 दिसंबर के आसपास रखी जा सकती है। तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था। लॉन्च पर अल्लू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने अपने नॉर्थ इंडियन हिंदी और अदर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ऑडियंस का दिल जीत लिया। उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नॉर्दर्न साइड में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अल्लू अर्जुन की बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू जरूर करेंगे। उनका कहना था कि बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा एडमायर भी किया जाता है। जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर्स साउथ फिल्म्स में डेब्यू करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, तो वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ऑडियंस गेन करना चाहते हैं। और पुष्पा राज के इस मैसिव प्री रिलीज सक्सेस के बाद से ही उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है। अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलुगु एक्टर्स अपनी रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है। फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है, सबसे ज्यादा पुष्पा राज पर है। अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में एज ए न्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है, मगर जल्द ही वो बॉलीवुड मूवीज में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अल्लू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड्डी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड्डी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है। आफ्टर दैट पुष्पा राज में उनका ऐसा ही इंटेंस रॉ लुक सामने आया है और काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि माने तो इसमें अल्लू अर्जुन की लवर का रोल कर रही रश्मिका का मर्डर हो जाता है, जिस वजह घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में खुद को समझता क्या। फैंस को मिलने पहुंचे अल्लू अर्जुन, क्या बातें शेयर की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने फैंस के साथ, और अपने को एक्टर अल्लू अर्जुन को लेकर क्या कहा एक्ट्रेस ने। जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों स्टाइलिश अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म पुष्पा में जल्द ही दिखाई देंगे, जो टॉलीवुड की
एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है, क्योंकि फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली है, इसलिए टीम तेजी से शूटिंग खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले अल्लू अर्जुन पुष्पा टीम के साथ मारे दो मिली में अंतिम शेड्यूल की शूटिंग के लिए गए थे, लेकिन बारिश के कारण ये संभव नहीं हो पाया। खबरों के मुताबिक पुष्पा का लास्ट शेड्यूल जो मारे दो मिली में फिल्म के लिए सेट किया गया था, भारी बारिश के कारण डिले कर दिया गया है। क्रू उस लोकेशन को छोड़कर काकीनाडा में शूटिंग के लिए चली गई है। वहीं जब एक्टर लोकेशन से जा रहे थे, तब उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी कार के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। एक्टर ने अपने सभी फैंस को अपनी कार से बधाई दी और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। सुकुमार द्वारा निर्देशित पुष्पा चित्तूर जिले के फेमस लाल चंदन स्मगलिंग माफिया पर आधारित है। रश्मिका मंदाना फीमेल लीड है और फिल्म में जगपति बापू, अनुसुईया भारद्वाज और वेनिला किशोर भी सपोर्टिंग रोल्स में हैं। मिथुनी मूवी मेकर्स और मुत्तम सेट्टी मीडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रोड्यूस्ड फिल्म में देवी श्री प्रसाद द्वारा म्यूजिक कंपोज किया गया है। पुष्पा को दो भागों में बनाया जा रहा है और पहला भाग पुष्पा द राइज क्रिसमस 2021 के अवसर पर एक थिएटरिकल रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। साउथ ब्यूटी रश्मिका मंदाना ने अपनी अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में उनकी जोड़ी शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बनाई गई है। प्रिय कॉमरेड अभिनेत्री जो सचमुच सूटकेस लाइफ जी रही हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग के चलते एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर एयरपोर्ट पर आए दिन दिखती रहती हैं। उन्होंने इस बीच इंस्टाग्राम पर लाइव जाने का फैसला किया। वो वर्तमान में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बिजी एक्ट्रेसेस में से एक है। एयरपोर्ट पर स्पॉट होने से लेकर अपनी गूफी और खूबसूरत इंस्टाग्राम तस्वीरों तक रश्मिका मंदाना सभी का ध्यान खींच रही हैं। रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ 30 मिनट बिताए और कमेंट सेक्शन में उनके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए। उनके एक फैन ने उनके पुष्पा को स्टार अल्लू अर्जुन के बारे में कुछ बातें शेयर करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, वो सिंपल हैं और उनके लिए तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि वो काफी स्वीट है। जबकि बहुत से लोगों ने उनसे लाइव गाने की मांग की। उनके एक दूसरे फैन ने एक्साइटमेंट में पूछा कि क्या वो कभी कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा के शो में दिखाई देंगी। एक्ट्रेस ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है और मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। एक बार मैंने अपनी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली और प्रमोशन शुरू हो गया तो मैं द कपिल शर्मा शो में आने की उम्मीद कर सकती हूँ। रश्मिका मंदाना ने अपनी आइडियल डेट के बारे में भी बताया। रश्मिका ने एक फैन को जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि डेट पर क्या करना होता है, लेकिन कुछ एडवेंचरस चीजें करना मेरी डेट है, हम ऐसा कर सकते हैं। रश्मिका ने फैन को जवाब दिया जिसने उसे उनके साथ डेट पर जाने के लिए कहा था। लाइव सेशन को एंड करने से पहले साउथ ब्यूटी ने अपने फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा। उन्होंने कहा, यह आपका प्यार ही है जो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता है, इस प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे पता है मैं दूर थी क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही काम इजी और पूरा हो जाएगा मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगी। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा का पहला लुक जिसका शीर्षक द इंट्रोडक्शन ऑफ पुष्पा राज है ने पहले ही फिल्म दर्शकों के बीच उच्च उम्मीदें बढ़ा दी हैं। फीमेल लीड रोल में रश्मिका मंदाना के होने से इस अपकमिंग फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। वहीं उन्होंने अल्लू अर्जुन की जमकर तारीफ की और अपने फैंस से वादा किया कि वो पुष्पा में पहले कभी नहीं देखी गई स्टोरी और स्टंट देखने वाले हैं। तेलंगाना से खूबसूरत एक्ट्रेस ने शेयर किया कि अल्लू अर्जुन स्टारर की शूटिंग करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने कहा, पुष्पा की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है, हम बेहद सावधान रह रहे हैं और ये अपने पूरे जोरों पर है। मुझे यकीन है कि आप जो देखेंगे वो आपको पसंद आएगा। ये सुकुमार सर की फिल्म है जो एक एक्सपीरियंस्ड एस डायरेक्टर हैं। ये मित्री मूवी मेकर और अल्लू अर्जुन सर की फिल्म है तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, आपको और क्या चाहिए। ताज़ा खबर ये है कि मुंबई में मिशन मजनू की शूटिंग पूरी करने के बाद रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मिरर सेल्फी शेयर की है क्योंकि वो हमें अल्लू अर्जुन स्टारर के लिए अपने डांस रिहर्सल की एक झलक दिखाना चाहती थी। फोटो में देखा जा सकता है कि स्टनर पुष्पा की
रश्मिका पुष्पा अभिनेत्री को सेट पर जाने थी। इसके दबाव में आई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की क्राइम थ्रिलर पुष्पा फिल्म और अल्लू अर्जुन के डांस सीक्वेंस को लेकर क्यों परेशानी में आई कई अभिनेत्रियां। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। रश्मिका मंदाना जो पुष्पा द राइज के लिए रिहर्सल कर रही है, अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार। शनिवार 4 सितंबर को गीता गोविंदम अभिनेत्री ने अपने फैंस के साथ खबर शेयर करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी का सहारा लिया। हालांकि उनका पेट डॉग ओरा उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। रश्मिका द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ओरा को रश्मिका के पैक्ड सूटकेस को खोलते हुए देखा जा सकता है। वहीं पुष्पा के लिए डांस रिहर्सल कर रही रश्मिका मंदाना आखिरकार पोस्ट लॉकडाउन फिल्म के सेट में शामिल होने के लिए तैयार है। डियर कॉमरेड अभिनेत्री ने अपने क्यूट से पेट डॉग की वीडियो के साथ फैंस के साथ न्यूज शेयर करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को चुना। जी हाँ दोस्तों, ओरा ने एक्ट्रेस के सूटकेस में पैक किए गए कपड़ों को खोलने की कोशिश करी। वीडियो को शेयर करते हुए रश्मिका ने लिखा, ऑफ टू पुष्पा, जब ओरा नहीं चाहती थी कि मैं कैंप पर जाऊं। बता दे, सुकुमार द्वारा निर्देशित पुष्पा द राइज दो भागों में बनाई जाएगी। अल्लू अर्जुन फहाद फासिल और रश्मिका मंदाना अभिनीत पहला भाग क्रिसमस 25 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगा। ये बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से भिड़ेगी। पुष्पा की कहानी लाल चंदन की स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमती है और अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज और फहाद को भंवर सिंह शेखावत के रूप में देखा जाएगा। रश्मिका फिल्म में एक डी ग्लैम भूमिका निभाएंगी। फैंस को अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फर्स्ट लुक पोस्टर और पहले सिंगल गाने के साथ एक्साइटेड कर दिया है। वही कौन है जो फिल्म पुष्पा पर दबाव डाल रहा है? जैसे जैसे कोविड-19 महामारी के कारण बड़े बजट की तेलुगु फिल्मों की थिएटरल रिलीज में डिले हो रही है, फैंस का एंटरटेनमेंट इन फिल्मों के गानों और टीजर से किया जा रहा है। इनमें हाल ही में 4 आने वाले टॉप फिल्म आचार्य, RRR, पुष्पा और भीमल नायक के फर्स्ट ट्रैक को रिलीज होते देखा गया है। कुछ ही समय में अल्लू अर्जुन की पुष्पा का पहला ट्रैक भी जारी किया जाएगा। देखो देखो मेका मेका शीर्षक से ये अनकन्वेंशनल गीत देवाश्री प्रसाद द्वारा रचित है। बीट्स और लिरिक्स से कुछ ही समय में इस ट्रैक को पॉपुलर बना दिया। अभी कुछ दिन पहले तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के जन्मदिन के मौके पर भीमल नायक का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया गया था। दोस्तों, थमन द्वारा रचित इस शक्तिशाली ट्रैक को बड़ी उम्मीदों के बीच रिलीज किया गया था और ये प्रमोशन के साथ साथ सही भी रहा था और इस गाने और फिल्म के बाकी फिल्मों पर दबाव बना दिया था। शायद यही पवन कल्याण के स्टारडम का कमाल है। हाल ही में ट्विटर पर एक ऑनलाइन ओपिनियन पॉल आयोजित किया गया था, जहां 4 अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर द्वारा रचित इन 4 ट्रैक्स में से नेटिजन्स को अपना पसंदीदा गीत चुनने के लिए कहा गया था। ज्यादातर ट्विटर यूजर्स ने भीमल नायक का टाइटल सॉन्ग चुना। इस प्रकार ये अट्रैक्टिव ट्रैक रिलीज होने के 2 दिनों पहले भीतर दर्शकों का दिल जीतने और अन्य ट्रेंडिंग गानों पर हावी होने कामयाब हुआ। चलिए, गाना नहीं तो डांस। अल्लू अर्जुन के डांसिंग स्किल्स को कौन नहीं पसंद करता है? उनका डांस भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी फेमस हो चुका है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने खुद को रोक नहीं पाए उनके गाने पर डांस करने से, पुटा बमा पर, और हाँ, अपनी फैमिली को भी डांस करने से नहीं रोक पाए थे। वही अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के बेस्ट डांसर्स में से एक है। उनके डांस स्टेप्स को मैच करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है। साउथ स्टार ने अपने हर डांस परफॉर्मेंस में हमें मेसराइज किया है। जब डांस की बात आती है तो दक्षिण की कुछ अभिनेत्रियां अल्लू अर्जुन की तरह अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही हैं। अब रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के डांस मूव की बराबरी करने के लिए पूरे तैयार है। यहाँ दोस्तों, पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी बनाई गई है, वो पुष्पा में साथ नजर आएंगे। अब रिपोर्ट्स की माने तो रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के स्टेप्स को मैच करने के लिए डांस क्लास दे रही हैं। जी हाँ,
फिलहाल इस फिल्म के एक गाने की डांस रिहर्सल अटेंड कर रही हैं। जाहिर है कि इस गाने की शूटिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी और रश्मिका इसमें परफेक्ट होना चाहती है। रश्मिका मंदाना एक वंडरफुल डांसर भी है और हमने उन्हें सीरियल निकवरू और भीष्मा में देखा है। अब पुष्पा में उनके ऑपोजिट अल्लू अर्जुन को देखना दिलचस्प होगा। पुष्पा हिंदी सहित कई डब भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म का फर्स्ट लुक अभिनेता के 37 बर्थडे पर रिलीज करा गया था, जहां हमने स्टाइलिश स्टार को ड्रॉ और जक अवतार में देखा था। यह ऑफिशियल तौर पर 2019 अक्टूबर में हैदराबाद में लॉन्च किया गया था और शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन की स्मगलिंग पर आधारित है। ये सुकुमार द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने पहले आर्य और आर्य 2 पर स्टार के साथ काम किया था। ये फिल्म क्रिसमस के फेस्टिव वीकेंड के दौरान हिंदी के साथ कई दूसरी भाषाओं में स्क्रीन पर हिट होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान, करीना कपूर और नागा चैतन्य अकिनेनी की लाल सिंह चड्ढा के साथ स्ट्रगल करेगी। फिल्म में लंबी लाइनें लग जाती हैं, उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। फिल्मों में अल्लू अर्जुन का स्टाइल हमेशा सबसे अनोखा होता ही है और ऐसा ही एक अनोखा देसी स्टाइल वाले लुक में, जहां अल्लू अर्जुन या यूं कहें पुष्पा राज लंबी दाढ़ी, लंबे भूरे बाल और सबसे सादे कपड़ों में काफी मजेदार लग रहे हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार एक स्मगलर का होने वाला है, वहीं दूसरी ओर फिल्म में उनकी वाइफ का किरदार करते दिखेंगी रश्मिका मंदाना, जो फिल्म में एक हाउसवाइफ का किरदार निभाएंगी। ये फिल्म दो भागों में बनाई जाएगी। वैसे तो स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके चर्चा में रहने की एक बड़ी वजह है, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे। दरअसल अभिनेता अल्लू अर्जुन की एक फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम सराय नोडू है। इस फिल्म ने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। ये तमिल भाषा में रिलीज हुई ऐसी फिल्म रही जो अपने समय में सुपर हिट साबित हुई थी, लेकिन अब इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन ने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की फिल्म सराय नोडू पहली ऐसी हिंदी डब फिल्म है जिसे यूट्यूब पर 300 मिलियन यानी 300 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। ये फिल्म वाकई ही काफी कमाल की थी और इस फिल्म का एक्शन उससे भी बेमिसाल रहा। तो ये थी अल्लू अर्जुन की सुर्खियों में रहने की वजह। वहीं दूसरी ओर अल्लू अर्जुन की आने वाली पुष्पा फिल्म भी कुछ समय पहले काफी सुर्खियों में थी, पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल लेखक वेम्पल्ली गंगाधर द्वारा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार और प्रोड्यूसर पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2020 को एक फेसबुक पोस्ट में गंगाधर ने कहा कि कहानी लाइन जो लाल चंदन की स्मगलिंग पर आधारित है, एक पॉपुलर मैगजीन के लिए लिखी गई तमिल कूली नामक उनकी शॉर्ट स्टोरी से चोरी की गई थी, लेकिन इस इल्जाम को साफ साफ सुकुमार ने झुठला दिया है। अब देखना है कि जब फिल्म आती है तो लोग और कितना पागल होते हैं अपने स्टाइलिश हीरो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने के लिए। तब तक के लिए आप हमें कमेंट घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में खुद को समझता क्या। किस चीज का प्रेशर फील कर रही हैं पुष्पा के मेकर्स? क्या है ये दशहरा स्पेशल ट्रीट?
क्या होने वाली है फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अनाउंसमेंट? जानने हैं सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट कम दोस्त संदिता पाठक और स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज का पहला गाना रिलीज हुए समय हो गया है। डाको डाको मेको जो 5 भाषाओं में रिलीज हुआ था, उसे मिक्स्ड सा रिस्पॉन्स ही फैन से मिला था। जहां इस गाने का म्यूजिक उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन वो इस गाने से विजुअल्स थे जिन्होंने फैंस की नजरों को टिकाए रखा। हालांकि वो अब पुरानी बात हो चुकी है और अब मेकर्स फिल्म में दूसरा गाना रिलीज करने की तैयारी में है। जी हाँ, मेकर्स इस दशहरे को फिल्म का दूसरा गाना लाने वाले हैं, जिसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि फिल्म का ये दूसरा गाना इसके लीड स्टार्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बीच एक डुएट होगा। फिल्म में रश्मिका मंदाना एक गांव की लड़की के रोल में कहर ढाने को तैयार है, तो वहीं अल्लू एक स्मगलर के लुक में पहले ही काफी तारीफें बटोर चुके हैं। जबकि बात अगर गाने की करें तो ये गाना दशहरा स्पेशल गाना होगा, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने जैसा एक मैसेज भी होगा। ये गाना उत्सव के रूप में होगा, जहां एक गांव में रहने वाले लोग ये त्योहार बड़े जोरों शोरों से मनाते देखे जाएंगे। जबकि उसी बीच पुष्पा बने अल्लू अपना स्मगलिंग का काम भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अल्लू की पिछली फिल्म अला वाइकुंठा पुरमल्लू भी अपने गानों की वजह से ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसी वजह से पुष्पा को लेकर भी फैंस की एक्सपेक्टेशन कहीं ज्यादा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म से पहले इसके गाने ही उनके बाने हुए एक्साइटमेंट को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि पहले गाने ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया, लेकिन अल्लू और सुकुमार की इस जोड़ी ने उन्हें अभी भी पूरा भरोसा है। खास बात यह है कि आर्य और आर्य 2 के बाद ये तीसरी बार होगा जब अल्लू सुकुमार और म्यूजिक कंपोजर देवी प्रसाद की तिगड़ी एक साथ काम करने वाली है। और इन दोनों ही फिल्मों का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहा था, इसलिए देवी और सुकुमार इस समय पुष्पा जो एक पैन इंडिया फिल्म है उसको परफेक्ट बनाने के लिए प्रेशर भी फील कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में जोरों शोरों से चल रही है, जिसे जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शूटिंग को अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना जरूरी है, ताकि फिर मेकर्स पोस्ट प्रोडक्शन के काम पर लग सके और फिल्म को इसके तय समय पर यानी कि क्रिसमस दिसंबर में रिलीज किया जा सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिल्म के बारे में और बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। खुद को समझता क्या? क्या एक्शन लिया मेकर्स ने फिल्म के लीक होने के बाद? क्या पुष्पा के क्रू मेंबर्स को नहीं मिली फोन्स ले जाने की परमिशन? क्या ट्वीट किया मैत्री मूवीज ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज की वीडियो की होस्ट रंजनी। आइए बात करते हैं मूवी पुष्पा के बारे में, जो कि साउथ के फैंस के लिए एक बेहद ही खास फिल्म है। साउथ इंडस्ट्री की ये मूवी 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन के फैंस लगातार फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पेजेस पर एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। पुष्पा ऑरिजिनली एक शानदार बजट के साथ बनाई जा रही पैन इंडिया मूवीज में एक है। इसमें एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अर्जुन के ऑपोजिट काम किया है। फिल्म 2 हिस्सों में बनेगी, जिसका फर्स्ट पार्ट क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगा। फिलहाल तो फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हुई है, जल्दी फिल्म तैयार होगी और सभी व्यूअर्स देख पाएंगे थिएटर्स पर। हालात सुधरते हुए देखकर मेकर्स कह रहे हैं कि पुष्पा को सिनेमा हॉल्स में ही रिलीज किया जाएगा। मगर एक तरफ जहां फैंस इतने एक्साइटेड है, पुष्पा के सेट्स पर सभी टीम मेंबर्स बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फिल्म के कुछ फाइटिंग सीन्स लीक हो गए थे। इस बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल दी थी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। पुष्पा से जुड़े 2 लीक्स टाइम से पहले सामने आए,
सबसे पहले फिल्म का रिसेंटली लॉन्च सॉन्ग डक्को डक्को मेका रिलीजिंग टाइम से पहले ही डिटोरेटेड क्वालिटी में एक एनोनिमस वेबसाइट पर आ गया था। उस वीडियो को तो मेकर्स ने तुरंत हटा दिया था, लेकिन उसके बाद ही अल्लू अर्जुन की एक फाइटिंग सीक्वेंस भी लीक हो गई। दो बार की गई इस वारदात को गलती तो नहीं कह सकती, तो इसलिए साइबर क्राइम पुलिस में इस पर प्रोडक्शन टीम ने हाल ही में एक केस दर्ज किया था। मित्री मूवी मेकर्स जिसके बैनर के अंडर फिल्म रिलीज होगी, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि वो और टीम इस लीक से बहुत ज्यादा परेशान है और वो इस एक्टिविटी की निंदा करते हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि ये किसका काम है, और ये जानने के लिए साइबर टीम लग गई है ये कोई आउटसाइडर है या क्रू का कोई सदस्य। मगर अब जब इतने बड़े प्रॉब्लम्स के जंगल में आप फंसे हैं, तो मेकर्स को भी फिल्म रिलीज करनी ही पड़ेगी, इसलिए शूट को बीच में रोका नहीं जा सकता। इसके फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन ने ये फैसला लिया है कि कोई भी, क्या रश्मिका मंदाना तैयार है पुष्पा के गानों में? लीड ने ऐसे कौन से पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं? कौन से नए तरीके के स्टेप सीख रही हैं रश्मिका मंदाना? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोड़ा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज, और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म पुष्पा की लीड एक्ट्रेस यानी कि रश्मिका मंदाना से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको काफी पसंद आने वाली है। उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। रश्मिका मंदाना साउथ इंडिया की काफी जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिनकी बैक टू बैक फिल्म्स आ रही हैं और जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। हाल ही में अपनी उन्होंने दो बॉलीवुड फिल्म यानी कि गुड बाय और मिशन मजनू की शूटिंग पूरी की है। इन दोनों ही फिल्म की शूटिंग पूरी करने के चक्कर में जो कर्नाटका से की ये प्यारी सी ब्यूटी अभी दिखाई पड़ रही थी मुंबई में, अब वो वापस चली गई है हैदराबाद में पुष्पा के गानों की शूटिंग करने के लिए। जैसे ही वो पहुंची हैदराबाद, उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और काफी ज्यादा बिजी के स्केड्यूल में नजर आ रही है। ये सारी बातें और सारी खबरें एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू शेयर किया है। आपको बता दें हाल ही में उन्हें पुष्पा से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था और उन्होंने उसमें कैप्शन लिखा था, पुष्पा की शूटिंग कुछ ऐसे हो रही है, ऐसे में ऐसा लगता है कि ये पूरी नेशनल क्रश मानी जा सकती है अब तो रश्मिका मंदाना, और क्यों ही ना हो इतनी प्यारी ब्यूटी जो है। पुष्पा के गाने की डांस रिहर्सल शुरू हो चुकी है, रश्मिका मंदाना बिल्कुल ही तैयार है इसके डांस के लिए। बता दें कि ये पुष्पा फिल्म का दूसरा गाना होने वाला है। ऐसे आपको एक बात और बता दें, इस फिल्म में दिखने वाले हैं अल्लू अर्जुन जी और रश्मिका मंदाना जी एक साथ, जो ऑन स्क्रीन पहली बार नजर आने वाले हैं। इतने बड़े स्टार अल्लू अर्जुन खुद डांस इतना अच्छा करते हैं और उसमें फिर उन्हें रश्मिका मंदाना धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म में डांस काफी ज्यादा महत्व रख सकता है और दोनों ही काफी अच्छे डांसर दिखाई पड़ रहे हैं। और इस फिल्म में एज अ विलन हमें दिखाई पड़ने वाले हैं फहद फैजल, और इस पूरी फिल्म को इतना अच्छा लुक देने का सिर्फ श्रेय जाता है सुकुमार जी जाय, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। पुष्पा फिल्म का पहला गाना जागो जागो रे बकरे शुक्रवार को ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ये फिल्म एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है जिसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस होने वाली है, जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और साथ ही साथ हिंदी में भी रिलीज किए जाने वाले हैं, इसलिए इसके सारे गाने जो है वो इतने सारे लैंग्वेजेस में भी रिलीज हो रहे हैं। इस सारे गानों में हर में अलग अलग सिंगर हैं अपने अपने लैंग्वेजेस को लेकर, और हिंदी में हमें दिखने वाले हैं विशाल ददलानी। जी हाँ दोस्तों, विशाल ददलानी कंपोज कर रहे हैं इस गाने को और उन्होंने इस फिल्म के गाने को बनाया गया है। आपको बता देते हैं कि विशाल ददलानी एक बहुत ही बड़े म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ सिंगर हैं, और उनकी सिंगिंग के लिए हमें आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं समझते हैं। अल्लू अर्जुन का राज के रूप, पुष्पा का जो कैरेक्टर है उसके रूप में काफी डैशिंग लुक दिखाई पड़ रहा है इस गाने में। आपको बता दें इस फिल्म में होने वाले हैं अल्लू अर्जुन राज का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और साथ ही साथ इस गाने को गाया है विशाल ददलानी ने, जिनकी आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही है। इस फिल्म के इस गाने को अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी शेयर किया, जहां हम देख सकते हैं कि इसका पिक्चराइज किया गया है लाइव कैरेक्टर्स के एनिमेशन के थ्रू। इसकी राइटिंग लिखी है अकी बालम ने, जिनने कुछ दिलचस्प बोल लिखे हैं, जैसे कि इसमें एक लाइन है, एक जान की मूक मिटाने के लिए एक जान जरूरी। वैसे सोचने वाले गाने के बोल तो है ही, और इसका थीम रखा गया है रेड, जो कि इसको ज़्यादा काफ़ी आकर्षित करता है। वैसे इसका एक टिपिकल तेलुगु फिल्म्स की तरह डार्क थीम एयर होने वाला। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है, अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। हाँ
की प्रमोशनल स्ट्रेटजी, पुष्पा फिल्म को किस खतरे से बचाने की तैयारी में लगे हुए हैं सुकुमार। सुकुमार ने किसे कहा संगीत का सम्राट, किस तरह से है उनका पुष्पा से कनेक्शन, क्या आपको भी जानना है इन सारे सवालों के जवाब, तो देखते रहिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि इसी वीडियो में आपको मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। अल्लू अर्जुन की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा अपने रिलीज से पहले ही कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्म के ट्रेलर को देखकर कई लोग इस फिल्म को मिलने वाले अवार्ड के एस्टिमेशन लगा रहे हैं और इस फिल्म की अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी से इस फिल्म के अवार्ड की प्रिडिक्शन करना कोई गलत बात है भी नहीं। फिल्म में अल्लू अर्जुन का रग्ड और इंटेंस लुक एक नेवर सीन बिफोर किरदार है। उनके पुष्पा राज का पोस्टर जिसमें अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक दिखाया गया था, उस पोस्टर को 24 घंटों के अंदर अंदर 84K यानी 84,000 लाइक्स मिले थे, जिसके बाद से ही पुष्पा राज का पोस्टर ट्विटर पर मोस्ट लाइक पोस्टर ऑफ 2021 बन चुका है। सिर्फ इतने ही, पोस्टर के 16,800 रीट्वीट भी थे और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 92.2K लाइक्स भी थे। साथ ही साथ इस मूवी के ट्रेलर ने कुछ ही दिनों में 70 मिलियन व्यूज YouTube पर क्रॉस कर लिए हैं। जैसे कि ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, पुष्पा राज बॉलीवुड की कई सुपर सेलिब्रिटीज की फिल्मों को कंपटीशन दे सकती है। हालांकि बॉलीवुड की कई फिल्में साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की ही कॉपी होती है, फिर भी साउथ इंडस्ट्री को इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री न मानकर अभी भी रीजनल बेसिस पर रखा हुआ है। जिस तरह से अल्लू अर्जुन हिंदी ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं, एक तरफ उनके पोस्टर को कहा काफी सपोर्ट मिल रहा है, फैंस इसे काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि अल्लू अर्जुन का इतना रफ और रग लुक उनकी इमेज को खराब कर सकता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अल्लू अर्जुन स्टाइलिश एक्टर के नाम से काफी पॉपुलर है। अल्लू अर्जुन डैशिंग और स्टाइलिश स्टार माने जाते हैं। हर फिल्म में अल्लू अर्जुन के लुक्स की काफी बातें की जाती है। पहली बार किसी फिल्म में अल्लू अर्जुन इस तरह के रफ अंदाज में दिखाई देंगे, जो कि उनकी पर्सनालिटी से काफी डिफरेंट है। सुकुमार पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन का लुक ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट न डाले, इसकी सबसे ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, जिस वजह से पुष्पा फिल्म के ट्रेलर रिलीज, सक्सेसफुल ट्रेलर रिलीज, पोस्ट रिलीज की काफी ग्रैंड पार्टी की जा रही है, ताकि अल्लू अर्जुन का डैशिंग लुक फैंस को याद रहे और फिल्म लोग जरूर देखे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सुकुमार जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने अल्लू अर्जुन को आइकॉनिक स्टार बताया था। उन्होंने कहा कि कुछ बरसों के बाद अल्लू अर्जुन आइकॉन स्टार बन जाएंगे। उनकी स्टेटमेंट ने पुष्पा फिल्म की पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनके स्टेटमेंट के पीछे की वजह जानने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं इसे एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी कहा जा सकता है। पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार इस फिल्म का क्रेज बनाए रखना चाहते हैं। पुष्पा अल्लू अर्जुन के करियर की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, इसलिए फिल्म में किसी भी तरह की कोई भी कमी न रहे, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। अल्लू अर्जुन के लुक के ऊपर एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। उनके ऊपर चल रहा प्लेगराइजेशन के केस की वजह से बॉक्स ऑफिस में रिलीज होते वक्त फिल्म को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, और अल्लू अर्जुन का जो लॉरी ड्राइवर और गांव वाले का लुक दिखाया गया है, उससे कहीं फिल्म की पॉपुलैरिटी कम न हो जाए, इस बात का भी खतरा डायरेक्टर सुकुमार पर मंडरा रहा है। पुष्पा के पहले गाने को मेकर्स ने रीब्रांडिंग करने की कोशिश की है। सुकुमार अब सिल्वर स्क्रीन के मास्टर है। देवी श्री प्रसाद सिर्फ एक रॉक स्टार ही नहीं, बल्कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। किसने अपनी पहली ही फिल्म से बनाया लोगों को दीवाना, उसको समझता क्या। किसे अपने फ्लॉज से नहीं लगता है डर, बड़ी फिल्म से कौन से एक्टर कर रहे हैं तेलुगु डेब्यू, मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपने अक्सर ही अपने घर परिवार या दोस्तों में उन्हें ये कहते हुए सुना होगा कि एक एक्टर की पहली परफॉर्मेंस से ही ये पता चलता है कि आखिर वो इंडस्ट्री में कितना आगे तक जा सकता है, या फिर कुछ कि वो इंडस्ट्री में किससे कनेक्टेड है। लेकिन फहाद फासिल एक ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में ऐसे कमेंट शायद ही किसी ने किए होंगे। आपको बता दें कि पहली बार फहाद ने 2009 में एक फिल्म केरला कैफे में छोटे से किरदार के थ्रू डेब्यू किया था। उस फिल्म में मम्मूटी और पृथ्वीराज जैसे बड़े एक्टर्स होने के बावजूद फहाद ने अपनी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग
स्किल से साबित कर दिया था कि वो किसी के बेटे नहीं बल्कि एक अद्भुत एक्टर के रूप में ही अपनी पहचान बनाएंगे। जिन लोगों ने भी 90s और 2000s में साउथ सिनेमा की फिल्में देखी है उनके मन में फहाद के लिए एक बड़ी रिस्पेक्ट होने के पीछे वाजिब कारण है। लोगों ने आज तक सिर्फ ऐसे माचो मैन और हीरोज को स्क्रीन पर देखा है जिसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है, वो परफेक्ट हैं, वो हमेशा ही बुरे इंसान या विलेन को हरा देते हैं। कई एक्टर्स ऐसे आए हैं जिन्हें देखकर कहा गया है कि शायद ये इस इमेज को बदल देंगे, ये शायद सालों से चली आ रही इस प्रथा को तोड़ देंगे, लेकिन हर बार वही हुआ है और सिनेमा चलता गया है। लेकिन इसी बीच फहाद की एंट्री हुई जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में एक लीड हीरो का किरदार निभाया जिसे उनके पिता ने डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाया। 2009 के बाद फहाद की बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हुई जिसमें से वो 2 फिल्मों में नेगेटिव किरदार में दिखे। और दोस्तों दिलचस्प बात ये थी कि उनके इस किरदार को काफी अप्रिसिएशन मिला। दोस्तों इसके अलावा फहाद ने कई पॉजिटिव रोल्स और कॉमिक रोल्स भी निभाए हैं जिसके बारे में हम अपने विचार आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। उससे पहले आइए अब बात कर लेते हैं उनकी आने वाली फिल्म पुष्पा के बारे में जिसमें वो एक बार फिर से नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। इस बार वो एक करप्ट IPS ऑफिसर। बॉलीवुड के कौन से सुपरस्टार के साथ करने वाले हैं अल्लू अर्जुन क्लैश? कैसे क्रिसमस में होने वाला है दिवाली वाला धमाका? घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। और कैसा होने वाला है पुष्पा राज का बॉलीवुड में सफर? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बॉलीग्राड स्टूडियो के फ्रेश न्यूज वीडियो में, जहां आपको बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज और हॉट गॉसिप्स मिलेंगी मेरे यानी श्रुति के साथ। हमारी आज की ये वीडियो बेस्ड है फिल्मी जगत की डैशिंग एक्टर बनी यानी की अल्लू अर्जुन की अपकमिंग सुपरहिट मूवी पुष्पा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। क्या आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि फिल्म तो अभी रिलीज भी नहीं हुई तो हम इसे अभी से सुपरहिट क्यों कह रहे हैं? तो पुष्पा का ट्रेलर जब से रिलीज किया गया था तब से ही पुष्पा पहले ऐसा ट्रेलर हुआ जो कि यूट्यूब का मोस्ट वॉच्ड और हाईएस्ट ग्रोसिंग व्यूज ट्रेलर बना था। अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने अपनी रिलीज से पहले ही कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कि ज्यादातर फिल्म रिलीज होने के बाद टूटते हैं। पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिसका साफ मतलब है कि वो बॉलीवुड में भी रिलीज होगी और साथ ही 5 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीजन में एक साथ रिलीज की जाने वाली है। और जिस तरह से पुष्पा सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई जा रही है बॉलीवुड पर एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अल्लू अर्जुन जो कि बहुत जल्द बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने वाले हैं और अगर उनकी फिल्म ट्रेलर जितनी ही सुपरहिट होती है तो बी टाउन के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। पुष्पा के लिए सबसे पहले खतरे की घंटी बजने वाली है बॉलीवुड की परफेक्शनिस्ट आमिर खान के कानों में। ऐसा क्यों कह रहे हैं तो चलिए हम आपको बता दें इससे रिलेटेड आपको सबसे एक्साइटिंग न्यूज। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान 2 साल बाद अपनी एक काफी बड़ी सुपर एक्साइटिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को फाइनली 2021 क्रिसमस पर रिलीज करने वाले हैं। लाल सिंह चड्ढा किसी भी फिल्म के साथ क्लैश ना करे और किसी और फिल्म की वजह से इसकी इमेज जरा भी डाउन हो या किसी और भीड़ का हिस्सा न बन जाए, इसका आमिर खान खास ख्याल रख रहे थे। सभी जानते हैं कि क्रिसमस पर अक्षय कुमार की बच्चन पांडे में रिलीज होने वाली थी जिसका सबसे बड़ा क्लैश लाल सिंह चड्ढा के साथ होने वाला था। इस क्लैश को बचाने के लिए आमिर खान ने खुद अक्षय कुमार से पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि वो फिल्म को डिले कर दे जो कि मान भी ली गई थी। लेकिन अब इससे भी बड़ा खतरा उनके सामने आ गया है और वो है पैन इंडिया फिल्म पुष्पा। एक तरफ जहां लाल सिंह चड्ढा को लेकर ज्यादा बज नहीं क्रिएट हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पुष्पा एक के बाद एक सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई जा रही है। फैंस पुष्पा के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदी ऑडियंस भी इस बार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज का किरदार देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। क्रिसमस पर इस साल दिवाली से भी बड़े धमाके होने वाले हैं। इन दोनों ही फिल्म में रॉकेट की तरह इस बार हिंदी ऑडियंस के बीच अपनी कहानी को लेकर जबरदस्त धमाका करने के लिए तैयार है। दोनों ही फिल्म में एक अलग अलग पटाखों की ब्रांड की तरह देखना है कि